Om Jnanatim Rambhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yustadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Vanchakal Bhadarubhasya Kripa Sindhu Bhai Bacha Patitanam Pavanibho Vaisnavi Bho Namo Namo Ajanulambita Bhujau Kanika Bhadatau Sankirtane Kapitarau Kamalaya Taksyau Vishwambharau Diyavarau Yugadharma Palau Bande Jagat Priyakarau Karunavatarau He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpati Gopi Sahagabhita Ganta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Bhaktya Vihina Paradha Lakshai Kintasika Madhitaranga Madhai Kripa Maitvam Saranam Praparna Vrinda Namaste Charanaravinda हे श्री सनातन प्रभु करुणां भरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरुत मंद मति दयानुगरा तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सृजिदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जन्य प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायन विरहतातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर वो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सर्वहातुभागवत् Bala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jor Kari Bola. Bala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रभुष्णम विष्णुपाद श्रोतर सतेश्री श्री श्री मात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रभुष्णम विष्णुपाद श्रोतर सतेश्री श्री श्री मात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा इंद्र पूजा को बंद करा के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई
बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी इंद्र एक साल से इंतजार कर रहा था ब्रजवासी मेरे को बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया बढ़िया मेरे को खाना भोग लगाएंगे, लेकिन इंद्र ने देखा इस बार तो कोई मेरी पूजा की कोई नाम गंधर्व भी नहीं। क्या बात है, इंद्र एक दूत को भेजा देख करके आओ ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। वो दूत आकर के देखा इंद्र के लिए जो रसमलाई राबी चमचम रसगुल्ला हैं सब पकवान बनाए थे वो सारे वस्तुओं को लेकर के श्री गिरिराज की गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं कृष्ण। इंद्र को जब बोले इंद्र तो एकदम क्रोधित हो गया, कृष्ण को गाली गलौज करने लग गया। स्तब्ध बाचाल पंडिताभिमानी, लेकिन सुधा सरस्वती ने वो सब के सब उन्होंने स्तुति परक उन्होंने अर्थ लगा दी। इंद्र संवर्तक में और 49 पवन को बुलाए, बोले ब्रज में ऐसे मूसलाधारा से बारिश करो ब्रज नाम का जैसे कोई गांव नहीं रह जाए, मानो आज ब्रज में प्रलय आ गई। इतने जोर से हाथी के सूंड पर जैसे मूसलाधारा से बारिश हो रही थी। ओले गिर रहा था, इंद्र पूरा जी जान उन्हें लगा दिया। सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास में गए, बोले कृष्ण देख तेरे बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद कर दिया, तो देखो इंद्र क्या कर रहा है। कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम लोगों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की ना, गोवर्धन हमारी लाज बचाएगा, चलो श्री गिरिराज गोवर्धन में चलते हैं, सारे सामान को लेकर के चलो। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को धारण कर लेता है उठा लेता है, ऐसे ही कृष्ण अपना बाम हाथ, बोले बाम हाथ नहीं अपना कनिष्ठ अंगुली, बोले कनिष्ठ अंगुली नहीं कहता अपना नख को ऊपर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की कोई जयकार नहीं दे रहे, कोई जय कोई है बोल रहे, जोर से बोला बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान लेकर के गिरिराज की तलेट में आ जाओ, गिरिराज को नीचे आ जाओ। सब के सब गिरिराज को नीचे आ गए, कृष्ण गिरिराज को उठा लिया और कृष्ण के जितने सखा लोग थे ना सब के सब डंडा लेकर टिका दी। बोले कन्हैया तू कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ी तो विश्राम ले ले, थोड़ी हाथ नीचे कर दे। कृष्ण ने कहा भैया तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या तू अकेला मैया का दूध पिया, हमने दूध नहीं पिए, इसे हाथ नीचे कर ले हम गिरिराज को धारण कर लेंगे। जब वो नीचे कृष्ण हाथ दिया ना गिरिराज तो नीचे धीरे धीरे आने लग गए और जो डंडा लगा कर रखे थे सब टुकड़ा सुर किया। सखा ने कहा कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तो ये गिरिराज को धारण कर ले। और मैया जसोदा बारंबार कन्हैया को मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, कृष्ण का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। और जितने ब्रजवासी उसको नीचे आनंद पूर्वक कृष्ण को मुख को दर्शन करते हुए आनंद ले रहे थे सबके सब। जब इंद्र ने अपना सारे ताकत 7 दिन तक लगा दी, इंद्र ने एक दूत को भेजा देख करके आओ ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत ऊपर ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उसने और एक दूत को भेजा, बोले तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था, इसने नीचे आकर के देखा एक चिट्ठी भी वहां पर मरे नहीं, वहां पर तो ब्रज में धूल उड़ रहा था। और सब के सब बोले आज वीरज में होरी रे रसिया, आज वीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया से कोई
की जब उसने वापस गया इंद्र ने पूछा ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं बोले ब्रज ब्रजपुरा है किधर आ गया इसलिए बोले ब्रज का सत्यानाश क्या हो जाएगा बोले तेरा ही सत्यानाश हो गया बोले मतलब क्या बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था ना उसने तो गिरिराज गोवर्धन को अपना नाखून ऊपर धारण करके रखा इसलिए कहते ना कोई कुछ माखन को बल बढ़ो कुछ गोपर ने करी सहाय और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए बोले श्रीमती राधा रानी की बोले जिसको बालक समझ रहा था ना वो साधारण बालक नहीं इंद्र ध्यान लगाया फिर ये कौन है ध्यान लगा करके देखा ये तो उनका प्रभु है जिसने इंद्र से हैं जिसने इन जिसने बलि से ये स्वर्ग राज्य लेकर के मुझे प्रदान किया था ये तो साक्षात मेरे प्रभु है इतना घबरा गए लगता है मेरा इंद्र पद भी गया इतने जाकर के अमरावती में इंद्राणी को साथ में विश्राम करने के लिए कोशिश की लेकिन वो इतना घबरा हुआ था शायद मेरा इंद्रपद ही ठाकुर छीन लेंगे इतना घबरा हुआ था जाकर के गुरु जी को पास में गया बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया मेरे को बचा लो मेरे को बचा लो गुरु जी बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में जब ब्रह्मा जी को पास में गए ब्रह्मा जी बोले तुमने सर्वनाश कर दिया जानते हो ये कृष्ण कौन है मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरे तरह से मैं भी फंस गया था बोले आप भी फंस गए थे बोले हाँ बोले कैसे बोले एक समय कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए गए और अघासुर वो मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था सखा लोग तो देख कर भी इतने डर गए कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ जब भागने लग गई जो बड़े बड़े सखा थे ना बोले तू चिंता क्यों कर रहे हो बोले देख नहीं रहे हो सांप मुंह फाड़ कर बैठा हुआ बोले सांप कभी इतना बड़ा हो सकता है लगता है विश्वकर्मा ने कोई विचित्र गुफा बनाई बोले सांप होगा तो बोले चिंता क्यों करते हो कन्हैया ने जैसे बकासुर को मार दिया इसको भी मार देगा चिंता मत करो लगता है बड़ा सुंदर कोई गुफा होगा चलो हम चलते हैं सखा लोग तो अंदर में चले गए जब थोड़ी दूर गए सांप का जीवा कितना गुदगुदी होता है बोले देखो लगता है अंदर में कोई कारपेट बिछा करके रखा है बोले हाँ ऐसे ही लग रहा है बोले इसमें दो रोड क्यों है सांप का दो जीवा होता है बोले इसमें ये दो रोड क्यों है एक सखा ने क्या तरीको पता नहीं एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का और थोड़ी दूर गए दांत जैसे खंबे जैसे गाड़ करके रखे बोले ये खंबे क्यों गाड़ करके रखे हैं बोले लगता है अंदर में संत लोग भजन कर रहे हैं है? अपना बिस्तरा होगा ना बेड़ी की बिस्तरा उसको लटकाने के लिए खंभा गाड़ करके रखा जैसे पता नहीं चले वो तो श्वास को बंद करके रखा था थोड़ी देर बाद में जब श्वास छोड़ा श्वास गर्मी गर्मी लगता है बोले ये गर्मी गर्मी हवा क्यों आ रहा है बोले तेरे को पता नहीं बोले क्या है बोले जो संत लोग अंदर में आसन प्राणायाम करते हैं एक साथ में श्वास बंद करे रखते हैं और एक साथ में छोड़ते हैं तभी तो गर्मी हवा आ रहा है और सांप को तो खाता है जानवर खाता है बोले ये बदबू क्यों आ रहा है बोले लगता है संत लोग भजन कर रहे हैं जिनकी शरीर की सुध-बुध ही नहीं रहता है लगता है कोई जानवर मर गया चलो हम साफ सुथरा करके आएंगे और संत दर्शन करेंगे अंदर में तो चलते चलती जा रहा है कृष्ण सबसे पीछे थे वो देख रहा था कृष्ण अंदर में आ जाए फिर तो मैं मुंह को बंद कर दूंगा सारे देवता लोग तो डर रहे थे बोले हे भगवान सबके सब अंदर में चले गए और प्रभु भी अंदर में जा रहे थे कृष्ण दूर से देख करके समझ गया कि अघासुर ने मुंह फाड़ करके बैठा हुआ उनने जोर जोर से पुकारा बोले सखाओं अंदर में मत जाया करो ये अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है लेकिन सखा लोग तो ऑलरेडी अंदर में चले ही गए सबके सब अभी कृष्ण सोचे एक साथ में मेरे को दो काम करना पड़ेगा एक तो अघासुर को मारना फिर अपना सखाओं को बचाना जब कृष्ण अंदर में गए अपना शरीर को उन्होंने इतना विशाल रूप में धारण किया और गले में जाकर भी कृष्ण अटक गए अगर श्वास बंद हो जाए तो फिर क्या होगा
श्वास जब बंद हो गया उसका रसगोला जैसे दोनों आंख बाहर निकल गया और उसका ब्रह्म तालू फट गई और उसने अपना प्राण को त्याग दी। कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि से सखाओं को उन्हें बचाया और जब बचाए जब कृष्ण बाहर आए ना इतने में उसका ब्रह्म तालू फट करके एक ज्योति निकला और वो ज्योति कृष्ण के शरीर में समा गया। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में दर्शन कर रहे थे। जब कृष्ण उनको मार डाले सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब जयकार लगाई धीरे धीरे ये जयकार भूर भुग मोह जन तप और ये सत्य लोक तक गया। सत्य लोक में कौन रहते हैं? बोले पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये ब्रज में जय जयकार क्यों हो रहा है। इतने में ब्रह्मा जी उतर करके आए और उन्होंने क्या देखा, इसका ज्योति कृष्ण का शरीर में समाया। बोले भैया ये कौन है बच्चा जिसकी ज्योति इनकी शरीर में, जिनका ज्योति समा गया है? वो समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं। इतने में कृष्ण अपना ग्वाल बालों के साथ में जमुना किनारा में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे। कृष्ण बीच में बैठे हुए और सारे सखा चारों तरफ में घेर करके बैठे हुए और कितने सखा है, अनंत सखा है। लेकिन एक आश्चर्य बात था, सारे सखाएं ये देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में बैठे हुए। कोई घर से मालपुआ लाए, कोई पकौड़ा लाए, कोई दही भात, कोई दूध भात, सब सखा लोग लेकर के आए और सबके सब कृष्ण को खिला रहे हैं और खुद खा रहे थे, खिला रहे थे और खा रहे थे करते करते। इतने में ब्रह्मा जी ने और थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए ये बच्चा है कौन, कृष्ण के सारे बछड़े को उन्होंने चोरी कर लिया। सखाओं ने कहा कन्हैया बछड़े तो यही चल रहे थे, गए कहां, चलो चलो देखते हैं बछड़े गए कहां। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम लोग बैठ रहो मैं देखता हूं कहां। जब कृष्ण गए उधर, इधर ब्रह्मा जी किया क्या, इनको उठा करके एक गुफा में लेकर सबके सबको उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया कृष्ण फिर आकर के देखे भैया मेरे सखा लोग कहाँ गए। उसी समय कृष्ण भोजन कर रहे थे, हाथ में दही भात है, तेती का आचार है, आम की आचार हाथ में लियो ये प्रभु, और खाते 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 ये लीला हुई है। जब ये लीला हुई इतने में ब्रह्मा जब इनको बंद कर दिए, कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कृष्ण को बोले बोले प्रभु ये जो ब्रह्मा है आपका लीला को देख करके समझ नहीं पाए, आपको और थोड़ी आगे लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने चोरी की। इतने में कृष्ण अपना शरीर से जैसे बछड़े और जैसे सखाए थे ठीक वैसे ही उन्होंने सृष्टि किया और कृष्ण खुद खुद को साथ में लीला कर रहे हैं। प्रभु खुद को साथ में प्रभु लीला कर रहे हैं। देखो ध्यान देखो सुनो, अभी यहाँ पर प्रश्न होता है भैया ब्रह्मा जी का क्या हिम्मत है भगवान के बछड़े सखाओं को चोरी कर ले। इनके बछड़े को बछड़े जानते हो, कृष्ण जो गैया बछड़े चराते हैं ये कौन है? बोले गरुड़, ये नारद और वेद का जो एक एक मंत्र, ये सब के सब कृष्ण की सखा बछड़े बने। ये गैया कोई साधारण गैया नहीं, कृष्ण का सखा कोई नहीं, कृष्ण स्वयं अपना सखा रूप में प्रकाशित है। कहते इनकी अंदर इनकी चरण धूल में इतने शक्ति है कि तीन ऐसे ब्रह्मा सृष्टि कर सकते हैं, फिर ब्रह्मा कैसे फिर इनको चोरी किए, इसका कारण बताए। ध्यान देकर सुनो, इसमें दो तीन कारण बताए, आज मैं बताऊंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है ध्यान देकर सुनो। कहते ब्रज में ये जो गोपियां है कौन, कहते ये कोई साधारण गोपी कोई लड़की नहीं है। बोले ये लोग कौन है? बोले जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में गए ये लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे और गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही थी। और कृष्ण का मंत्र जब कर रहे थे, राम श्याम एक ही है, अभी राम को देख करके ऋषियों को श्याम की याद आई और ऋषियों ने कहे प्रभु हमसे शादी कर लो। भगवान राम ने कहा देखो ये अवतार में मैं केवल सीता के सिवाय और किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग वृंदावन में गोपी रूप में आओ तभी मैं तुमको शादी करूंगा।
कि जितने सब ऋषि मुनि सब गोपी बन करके आए। अब जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए थे, उन्होंने विश्वामित्र जी को बोले, बोले गुरु जी थोड़ी से आदेश दे दो, हम ये जनकपुरी को थोड़ा दर्शन करके आए। विश्वामित्र ने कहा दर्शन करना नहीं, सब तो दर्शन देख करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए, क्या सुंदर ध्वनि की जोड़ी, एक श्याम रंग के और गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर पहने, दोनों का हाथ में धनुष, अपूर्व सुंदर देखने में ठाकुर जी थे। अभी जिस गली में जाए ना, उसी गली में बोले श्री राम लक्ष्मण की, जोर से बोलो श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए उसी गली में ही जय जयकार हो रहा था। और जितने जनकपुरी के कुंवरियां थी ना, कोई झरख से कोई छत के ऊपर से, सब के सब झांक झांक करके देख रही थी। जो झरख से देख रही थी वो तो ठाकुर का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में थी हैं, वो लोग प्रभु जी को दर्शन नहीं कर पा रहे थे। बोले क्यों? हाँ ध्यान देख रहे, किधर देखो मेरे तरफ में, कोई बढ़िया साड़ी पहन के आए ना, सब सब उधर देखने लग जाते, हरे कृष्ण। हाँ देखो, इसलिए अभी जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी वो प्रभु का दर्शन करने के लिए सोच रही थी, लेकिन प्रभु का दर्शन हो ही नहीं पा रहा था, ठाकुर जी को दर्शन नहीं हो पा रहा था। वो झांक करके देख रही थी। क्यों? बोले भगवान राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी अपना सर उठा करके अपना स्त्री के बगैर पराया स्त्रियों को कभी वो नजर नहीं डालते थे। वो देखना तो अपना सीता को ही देखते थे और किसी को नहीं देखते थे। इसलिए प्रभु राम का नियम था सर नीचा करके ठाकुर जी चल रहे थे, और ऊपर से जो सखियां थी प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा था। इतने में पीछे पीछे से लक्ष्मण लाल चल रहे थे, हैं लक्ष्मण लाल चल रहे थे। इतने में वो जो सखियां थी थोड़ी सी खांसी, बोले हो सकता है प्रभु सर ऊंचा करेंगे, लेकिन प्रभु तो कभी सर ऊंचा करके देखे ही नहीं कभी, वो तो नीचा करके जाने वाले। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, बोले लक्ष्मण कौन है? बोले ये गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर जी देखो आपका जो भक्त लोग है ना, ये छत के ऊपर में खड़े हुए हैं, ये आपको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दर्शन दे दो इनको। राम ने कहा लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सीधा नीचे करके सर चलो। फिर गोपिया बोले प्रभु थोड़ा ऊपर से देखे, लेकिन तब भी देखे ही नहीं। फिर लक्ष्मण बोले बोले प्रभु देखो ना, देखो ऊपर में सब गोपियां दर्शन कर रही हैं, थोड़ी दर्शन दो। देखो कहते हैं हमको ये गुरु ग्रहण करने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है गुरु ग्रहण करने का, जब तक गुरु हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना नहीं करना ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, ठाकुर का दर्शन नहीं होता है। लक्ष्मण गुरु है, जब गुरु कृपा करके ठाकुर जी को बोलेंगे ठाकुर जी थोड़ी सी भक्तों को दर्शन दो, तब भी जा करके ठाकुर जी दर्शन देते हैं। लक्ष्मण गुरु है, बारंबार बोल रहे हैं, अभी ठाकुर को तो दर्शन देना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम ने ऊपर थोड़ा झांक करके देखे, जब झांक करके देखे इतने सुंदर ठाकुर, इतने सुंदर प्रभु का दर्शन करते ही ना, वहां पर जितने सब के सब, सब सीता जी की सहेलियां थी, सब के सब बेहोश हो गए। जब उनको होश आई सब के सब राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमें से शादी कर लो, हमें से शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को पहले मना कर रहा था, अभी तू शादी कर ले, अभी तू शादी कर ले। भगवान राम ने कहा देखो ये अवतार में तो मैं सीता के सिवाय और किसी को भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आई हो, तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वही सब जैसे वो गोपी बन करके आए हैं, इसलिए और वेद का कुछ मंत्र था, वो भी कठोर तपस्या की भगवान कृष्ण की। जब कृष्ण दर्शन दी बोले बाबू क्या चाहते हो? बोले प्रभु गोपियां जैसे आपको प्रेम करती थी हम भी ऐसे भक्ति चाहते हैं। बोले ये वस्तु दुर्लभ, और कोई चीज चाहो? बोले नहीं देना तो हमें यही चीज दो। बोले ठीक है तुम सबके सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आओ, इसलिए ये सबके सब अभी द्वापर युग में गोपी बन करके आए। अभी ठाकुर को तो शादी करना पड़ेगा, ठाकुर जी को
शादी करना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए जिस समय ब्रह्मा ने कृष्ण के बछड़े और उनने सखा को चुराया ना, बछड़े और हमारे प्रेमचंद प्रभु जी है, प्रभु जी कृष्ण रुक्मणी बनाए कि नहीं? हाँ, एक सुदामा और कृष्ण रुक्मणी बना देना। अभी जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की सखाओं को उन्होंने चोरी करके ले गया, इतने में गर्गाचार्य ने पूरा ब्रज में उन्होंने प्रचार कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, बोले देखो ये जो साल है ना, इतने बढ़िया साल है, अगर इसी साल में किसी लड़की की शादी हो जाएगी वो कभी विधवा नहीं बनेगी, वो चिर सुहागिनी बनेगी। इसलिए क्या करो, सबके सब बेटियों को शादी करा दो, और जो छोटी छोटी कुंवारी होगी ना उनका बागदान कर दो। क्या बागदान कर दो? बोले तेरे लाला के साथ में मेरी लाली की शादी हो जाएगी। पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे हुआ करता था ना बचपन, आप लोग देखे होंगे जब बच्चे लड़कियां लड़की छोटी होती थी बोलते थे तेरे बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। इसलिए लड़की को पता चलता था भाई उसी लड़का के साथ में हमारी शादी, इसलिए इधर उधर लड़कों को पीछे नहीं पड़ती थी, और लड़का भी इतने इधर उधर लड़की को पीछे नहीं पड़ती थी क्योंकि उनको पता चल जाता था मैं बड़ी होकर के ये मेरे पति बनने वाले हैं, और ये जो प्रथा है ना ये सही प्रथा था। इसलिए ये सब गड़बड़ी डाइवोर्स फाइवोर्स ये सब चीज नहीं होती थी, सबका चरित्र सही रहता था। इसलिए जितने ब्रज में थे सबके सब बाप दान कर दिया, बोले भैया तेरे बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी होगी। और देखो उसी समय जितने सखा लोग थे, वो सखा लोग कौन थे, ये कृष्ण स्वयं सखा बन करके आए थे, और जितने लड़की की जो शादी किसको साथ में हो गई, बोलो किसको साथ में शादी हुई, अरे जोर से बोलो, माताएं कोई कथा नहीं सुन रही, किसको साथ में शादी हुई, ये कृष्ण सब सखा बन करके आए, इसलिए सबके सब कृष्ण के साथ में शादी हो गई। और जो कृष्ण के साथ में शादी होगी कभी शंखा टूटेगी, मांग मिटेगी, सिंदूर मिटेगी, कभी मिटेगी नहीं है, इसलिए इस सब कारण था। और कृष्ण जब मैया यशोदा की स्तन पान करते थे उसी समय में ब्रज में जितने गाभी थी ना इनके मन में भी इच्छा होती थी, क्या इच्छा होती थी, क्या कभी हम कृष्ण को भी स्तन पान करा पाएंगे, अभी कृष्ण ही बछड़े बन गए, जब बछड़े बन गए क्या हो रहा है, कृष्ण हर गैया की स्तन को पान कर रहे हैं, और जितने वृद्ध वृद्ध गोपियां थी पर इनकी मन में भी इच्छा होती थी, क्या होती थी, कृष्ण क्या कभी हमारे लाला बनेंगे, हम भी कृष्ण को कभी स्तनपान करा पाएंगे। अभी कृष्ण ही सखा बनकर घर घर में माताओं के स्तनपान कर रहे हैं, इसलिए इस सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए ब्रह्मा को द्वारा कृष्ण ने क्या किया, इन्होंने बछड़े और उन्होंने सखाओं को चुराए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री यशोदा के दुलाला की जय। जब ब्रह्मा जी ये बछड़े सखाओं को चोरी करके गुफा में बंद कर दिए और ब्रह्मलोक में गए ना, ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए, बोले देखो जो दरुआन थे, बोले मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, खबरदार मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत दिया करना। जब असली ब्रह्मा वहां पहुंचे ना, उनके जो नौकर लोग थे वो तो लठिया लेकर के ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा बोले भैया ये कौन है, ये है कौन जो मेरे आसन को दखल कर लिया। उन्होंने देखा उनका प्रभु ही स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ गए, और ब्रह्मा गए और आए, आते आते इसी मर्त्य जगत में हो गया एक साल। एक साल को बाद में आकर के देखते हैं कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे अभी भी वैसे लीला कर रहे। फिर ब्रह्मा जी चकरा गए, कहते मैंने जिनको छुपा करके रखा था क्या ब्रह्मा जी ले आए। जब उन्होंने एक साथ में देखा, कृष्ण बोले देखो ये बछड़े सखा कौन है, मैं स्वयं बना हुआ हूँ। ब्रह्मा जी एक नारायण का नाभि कमल से सृष्टि हुए, वहां पर अनंत नारायण, जितने सखा बछड़े सब नारायण नारायण नारायण। फिर ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कौन है, मेरे प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी की जो प्रभु जी ये कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी हंस वाहन से
उन्होंने कूद करके नीचे आ गए, सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए और अपना आंसुओं से कृष्ण के चरण की उन्होंने अभिषेक किए। अभिषेक करते करते उन्होंने ठाकुर को स्तुति करते हैं, बोले नव मिड्यते अभ्रवपुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीचलसत मुखाय। बोले हे प्रभु, आपकी चरण में मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे प्रभु हो। इतने में कृष्ण ने कहा, भैया मैं क्यों तेरे प्रभु बनूंगा? ब्रह्मा जी की सृष्टि कहाँ से? बोले नारायण की नाभि कमल से। बोले तेरे प्रभु तो नारायण, मैं थोड़ी तेरे प्रभु हूँ। बोले प्रभु वो जो नारायण है ना, ये आपकी अंश के अंश के अंश, ये नारायण आप तो मूल नारायण आप हो, इसलिए आपकी चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? मिड्यते अभ्र बपुषे। बोले भगवान की शरीर का रंग कैसे है? रंग कैसे? बोले अभ्र बपुषे। अभ्र बपुषे मतलब होता है घना मेघ जैसे। बोले ब्रह्मा जी ये घना मेघ को साथ में क्यों उदाहरण दिया? बोले कारण है, कभी ये मेघ कब होता है, कभी ये पानी जब घनीभूत हो जाता है, पानी क्या? बोले पानी का एक नाम कृपा। कहते जब ये घनीभूत हो जाता है, कृष्ण कौन है? बोले प्रभु आप बड़े दयालु हो। जब मेघ हो ना, आप देखना मेघ ये विचार नहीं करता है, नहीं ये पवित्र स्थान में ही बारिश होगी और यहाँ पर है अपवित्र स्थान, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। कहते जब बारिश होती है वो बराबर बारिश होती है। बोले हे प्रभु, आप तो सबको पर में कृपा करने वाले, यद्यपि मैंने आपके चरण में अपराध की है, लेकिन प्रभु आप तो अभ्र बपुषे हो, आप तो घना मेघ हो, आप तो सबको ऊपर में कृपा जब करते हो, इसलिए आप कृपा करके मेरे ऊपर भी आप कृपा करो। दूसरा कारण बताइए, एक चिड़िया होता है जिसका नाम चातक, वो चातक केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है और किसका पानी नहीं पीता है। बोले हे प्रभु, मैंने भी आपके चरण में मैंने अपराध किए, आपके चरण में मैंने अपराध किए है, लेकिन प्रभु आप तो मेरे प्राण जीवन हो, इसलिए मेरे ऊपर में आप कृपा करो। बोले नव मिड्यते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय। बोले भगवान की वस्त्र का रंग कैसे है? कहते पीताम्बर है। कहते आप तो जैसे मेघ में बिजली चमकने पर जैसे मेघ की शोभा बढ़ जाती है। बोले हे प्रभु, आपका जो रंग तो श्याम रंग है, लेकिन आपका शरीर में जो पीताम्बर है ना प्रभु, इससे आप भी और भी शोभायमान दिखते हैं। बोले ठाकुर जी की गला में कौन सा माला पहनते हैं? बोले वैजयंती माला, गले से लेकर चरण तक है, कभी पांच रंग की कभी सात रंग की। भगवान के 12 रस है, 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। मानो सारे भक्तों को आप अपना हृदय में लगा करके आप रखे हो। बोले कान में जो कुंडल पहनते हो, बोले गुंजाब तंस, एक गुंजा माला होता है। आप लोगों को पता है गुंजा क्या होता है? कौन कौन देखे हैं गुंजा फल? जानते हो गुंजा फल क्या होता है? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। इसलिए जंगल में ना इतना इतना छोटा छोटा फल होता है, हाँ वो लाल रंग ऊपर था काला होता है, उसको आसानी से जंगल में अपनी आप मिल जाती है। कहते आपका कान में जो भूषण है, कहते गुंजाब तंस, गुंजा माला। बोले क्यों? कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरे को संतुष्ट करने के लिए, ऐसे नहीं जब ठाकुर जी को कोई बहुमूल्य वस्तु दो ना तभी ठाकुर खुश होते। ठाकुर बोलते नहीं, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम से अगर कोई चीज दे दोगे ना मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम् जो मे भक्त्याः प्रयच्छति। भक्त मेरे को भक्ति करके, उन्होंने 4 चीज का नाम लिया है जो चीज बिना पैसा में मिलता है। पहला नंबर पत्ता, बस अगर भक्ति पूर्वक पत्ता दे दिया ना मैं खुश हो जाता हूँ। ठाकुर जी किसको पर खुश हुए हैं? कहते ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दोर जो धन की मेरे।
त्यागे दुर्योधन की मेरा त्यागी साग भी दुर्धर खाई ओ साग भी दुर्धर खाई जब से ओचे प्रेम सगाई जब से दुर्योधन को मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए इसलिए ठाकुर जी को अगर पत्ता भी ठाकुर को दे दो भक्ति पूर्वक ग्रहण कर लेते बोले पत्रम पुष्पम ठाकुर जी को एक फूल अगर तोड़ करके दे दो किसने दिया था फूल किसका फूल से ठाकुर जी खुश हो गए कौन बोले हाथों का बोलो कौन बोलेगा कोई बोल नहीं बात है हाँ हाथी ने गजराज ने जब मगरमच्छ उसको पकड़ लिया पकड़ कर घिसटते हुए ले जा रहा था देखो उनके पुत्र परिवार सबके सब थे वहां पर लेकिन जब देखा उनको मगरमच्छ पकड़ लिया ना सब एक एक कर पीछे हटना शुरू हो गया सबके सब पीछे हटना शुरू हो गया कहते जो दुनिया है ना ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है तब तक बोलेंगे मेरे मेरे जब तक कल आप कैसे हो बोले जब तक जेब में पैसा हो और पैसा गन आप कैसे नहीं तुम कौन हो है जब देखा हाथी के ऊपर विपत्ति पड़ी ना उनके बच्चे पुत्र एक एक सबके सब पीछे चले गए इतने में जब खेसते खेसते अंदर में ले जा रहा था अभी उसका मुंह डूबने वाला है नाक डूबने वाला इतने में उसने एक फूल लेकर के ठाकुर जी को अर्पण कर दिया अर्पण करते ही नारा अभी यड़ो बोला ही नहीं केवल दो अक्षर नारा बोला इतने में ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को भेज करके मगरमच्छ को मार डाल काट डाले इसलिए ठाकुर जी एक पुष्प के द्वारा ही ठाकुर जी रीज गए पत्रम पुष्पम मतलब फलम ठाकुर जी को भक्ति पूर्वक कोई फल दे दो ठाकुर उसमें ही खुश हो जाते हैं बताओ फल किसने दिया था सबरी ने फल दिया था इसलिए कहते हैं ना ठाकुर जी ने सबरी का बेर खा करके बोले बहु विध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई है पत्रम पुष्पम फलम त्वयम त्वयम मतलब होता है पानी अगर ठाकुर जी को थोड़ा पानी दे दो ना बस ठाकुर उसी से ही खुश हो जाते हैं बोले पानी किसने दिया था बोले श्री अद्वैत आचार्य जब श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले इसी जगत में ये अद्वैत आचार्य सदाशिव है जब उन्होंने सदाशिव रूप में आए जगत का जीवों को दुख कष्ट को देखा बोले ठाकुर को हम प्रसन्न करके इसे उनने सारे वेद पुराण उपनिषद को ढूंढे जल्दी से जल्दी ठाकुर खुश कैसे होते हैं उनके एक श्लोक मिला बोले तुलसी दल मात्रेण है अगर कोई हृदय से प्रेम से केवल थोड़ी सी गंगा पानी लो उसमें के तुलसी पत्ता दे दो गंगा पानी लेकर तुलसी पत्ता ठाकुर को अर्पण कर दो ठाकुर जी कहते हैं उसकी रीढ़ी को मैं उतारने के लिए मैं सर खुलाना शुरू कर देता हूँ एक व्यक्ति कब सर खुलाता है बहुत ज्यादा गहरा जब रीढ़ी बन जाए मतलब ठाकुर जी को तुलसी पत्ता और श्री गंगा जल अगर कोई दे दिया ना ठाकुर जी कहते हैं उसका रीढ़ी चुकाने के लिए मैं सर खुलाना शुरू कर देता हूँ इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो बड़े दयालु आप तो बड़े कृपालु हो कोई प्रेम से थोड़ी सी कोई चीज दे दे ना आप तो उसी से ही रीज जाते हो इसलिए अब कान में कौन सा कुंडल है गुंजाब तंस लसत मुखाय बनस सजे ठाकुर का श्रृंगार कैसे है बन की पत्ते फूलों से ठाकुर का श्रृंगार कृष्ण कहते जद्य भी मेरे को वैकुंठ में लक्ष्मी बड़ी सुंदर श्रृंगार करती हैं द्वारका में मेरे महिषियां भी मेरे को बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं लेकिन सबसे सुत्यारा श्रृंगार मेरे को सबसे बढ़िया क्या लगता है बोले ब्रज में जब गोपियां मेरे को कुंज में बैठा करके सुंदर सुंदर फूलों की माला से और सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते से और गौरी की रंग से जब मेरे को श्रृंगार करते हैं ना ये सबसे मेरे प्यारा श्रृंगार है और ठाकुर जी हाथ में क्या रखे हैं दही भात ठाकुर जी हाथ में दही भात है ठाकुर जी कहते देखो वैकुंठ में मेरे को छप्पन भोग छत्री से भजन लगाते हैं लेकिन ब्रज के गोपियों के घर में मैं क्या करता मक्खन मिश्री दही चोरी चोरी कर खाता हूँ
दही चावल मेरे को सबसे बड़ा प्यारा है, सबसे ज्यादा प्यारा दही चावल दूध चावल सबसे मेरा प्यारा भोजन है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी जब उन्होंने भगवान को स्तुति की, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, बोले प्रभु आप तो बड़े दयालु, आप बड़े कृपालु, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले मेरे अपराध आपको माफ करना ही पड़ेगा। कृष्ण कहते क्यों, क्या जरूरत है तेरे अपराध का माफ करने का? बोले मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए उदाहरण देते हैं, जब पेट में माँ के पेट में बच्चा रहता है, जब बच्चा 7 महीना हो जाता है ना, 8 महीना हो जाता है, देखना कभी कभी माँ के पेट में बच्चा लात मारती है, कभी कभी लात मारती घूमती है, क्या मैया कभी क्रोध करती बच्चे के ऊपर? कभी क्रोध नहीं करती है। इसलिए आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा, भगवान ने कहा मैं तो तेरा कब पिता हो गया, मैं तेरा पिता कब हो गया? बोले गीता में आपने क्या बताया बता? कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह। आप ही तो कहते हो ना, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु ससखा तुमैव, तुमैव विद्यांग द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। कहते ना, आप ही तो जगत पिता जगन्नाथ हो। इसलिए जब आप पिता हैं, और कृष्ण गीता में कहते तुम्हें वो पिता च माता, मैं ही पिता और मैं ही माता, अगर आप माता और पिता हुए, अगर मैं बच्चा हुआ हूँ, जैसे बच्चा का अपराध पिता माता माफ कर देते ही। इसलिए हे प्रभु मेरे अपराध का माफ कर दो, मेरे अपराध का माफ कर दो। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। बोले देखो, मैं हर साल कहता ना, ब्रह्मा जी एक श्लोक में बड़ी एक अच्छी सूत्र देते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए। बोले तत्वन कंपा सुसुमिक्ष्यमान भुञ्जामि एवाकृतं विपाकम्। अध्याय देखो, सुनो अच्छे तरह से श्लोक को सुनो। अगर जीवन में कोई चीज आए ना, देखो ये श्लोकों को एकदम हृदय में लिख लो, अगर ये श्लोकों को याद कर लोगे ना, अगर तुम्हारे जीवन में भजन करते हुए अगर कोई विपत्ति आएगा, अगर ये श्लोकों को पढ़ोगे ना, कभी तुम भगवान की भजन नहीं छोड़ोगे, भगवान की भक्ति कभी तुम छोड़ोगे नहीं। अगर ये श्लोक तुम्हारी याद नहीं आ गया ना, फिर तो आप बिलबिला जाओगे। थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए ना, बस दोष ठाकुर के ऊपर लगा दोगे, ठाकुर जी तेरे हमने भजन किया, भक्ति किया तेरी, तुमने मेरे साथ में ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, ठाकुर को गाली देना शुरू कर दोगे, हैं? लेकिन अगर ये श्लोक तुम्हारी याद रहेगा ना, कभी भी ठाकुर को भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे। ध्यान देकर सुनो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ये ब्रह्मा जी कौन है? कहते आदि गुरु हमारे। गुरु का काम क्या है? बोले गु मतलब होता है अंधकार, और रू मतलब होता है आलोक। हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करते हुए हृदय में दिव्य ज्ञान को जो संचार कर दिए, गुरु का काम है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे, बोले प्रभु जीवन में जो कुछ आता है, सुख आए और दुख आए, क्या समझो? बोले कृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल भोग कर रहे हैं हम। कभी दूसरों को कभी दोष मत लगाया करो। हम जैसे बीज बोएंगे ना, वैसे ही वहां पर पेड़ आएगा, जैसे बीज बोगे वैसे ही पेड़ आएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, खबरदार किसको ऊपर में दोष कभी लगाया मत करो, अपना कर्म का फल को मान करके भोग करते जाओ। और क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति करते जाओ। और अगर तुमने देखो एक चीज को समझो, जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, लेकिन अगर ज्यादा करके भगवान का नाम जप करोगे ना, तुम्हारी जल्दी जल्दी तुम्हारी क्लेश दूर हो जाएगी, जल्दी जल्दी दूर हो जाएगी। इससे बड़ा दवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम को छोड़ करके ना, इतने बढ़िया दवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं?
कौन कौन सुने हो? वो पहले दस्यु रत्नाकर था, दस्यु रत्नाकर था, लेकिन इतने बड़े दस्यु रत्नाकर, जब नारद जी बोले बोलो राम, बोलो बोलो, कोई बोल नहीं रहे बोलो, लेकिन वो इतना, आप तो बोल दिया मतलब आप लोग बड़े पुण्यात्मा है, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था जिसका मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला, उसको मुंह से था, इतना बड़ा पापी था। तब से नारद जी ने कहा भैया तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले तू मरा मरा तो बोल सकते हो, हाँ बोले ये तो बोल सकता हूँ, इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जब जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अगर उसने उल्टा नाम करते करते दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो सकता है, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? बोले फल नहीं मिलेगा, जरूर फल मिलेगा, जरूर आपको फल मिलेगा। ये जो प्रभु का नाम है ना, ये कभी नष्ट नहीं जाता है। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो? कौन कौन पेड़ लगाया जमीन में? गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे गेहूं का पेड़, धान का पेड़, देखना किसान लेकर के ऐसे ऐसे खेती में फेंक देता है, लेकिन वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है? वो पेड़ सीधा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम को अगर किसी तरह से भी लोगे, उल्टा सुल्टा भी ठाकुर का नाम लोगे ना, लेकिन जब फल निकलेगा वो सीधा निकलेगा। इसलिए कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, नाम की इतने महिमा है, भगवान खुद भी अपना नाम की महिमा बता नहीं पाते हैं। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम। अभी कथा में आप लोगों ने अजामिली का नाम सुने, सुना कि नहीं? अजामिली का नाम, ऐसे कोई पाप नहीं जिसने वो पाप नहीं किया है। एक तो अपना पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को साथ में रहा, शूद्रानी को साथ में, उसके हाथ में अमेध्य कुमेध्य खाए, 10 बच्चे हुए, अभी बच्चों को पालना करने के लिए, ऐसे कोई पाप नहीं जो पाप उसने नहीं किया, हर तरह का पाप किया, लेकिन उसने बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया, तो बस नारायण नारायण, बेटे को नारायण करते करते उधार, कितने महिमा नाम की देखो। इसलिए अगर संसार में बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, भगवान का नाम को आप जितने घर में बैठ करके, जितने प्रभु का नाम जप करोगे ना, आप स्वयं देख लेना भगवान के नाम में इतने शक्ति, इतने शक्ति, ठाकुर जी के नाम में सारे पाप को ही खत्म कर देगा, सारे पाप को खत्म कर देगा। इसलिए कल सुन रहे थे ना, नाम चिंतामणि। नाम क्या है? चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। ये विश्व ब्रह्मांड जो चल रहा है किसके नाम पर चल रहा है? ठाकुर जी के नाम पर। ब्रह्मा जी, शंकर जी और हनुमान जी, गणेश जी किसका नाम लेते हैं? ठाकुर का ही नाम जप करते हैं। इसलिए क्या करो, पहले तुम भगवान का नाम के ऊपर विश्वास रखो। लेकिन हमारी ना इधर उधर जादू टोना के प्रति हमारा विश्वास है, इधर उधर भगना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुरुदेव जो माला दिए ना, वो माला में हमारा विश्वास नहीं, ये माला में ही हमारा विश्वास नहीं, इधर भागना उधर भागना। भैया हमारा शास्त्र कहता है हरी नाम से तेरा अगर कोई चुन नहीं हुआ तो दुनिया में और कोई चीज नहीं तुम्हारी जो भलाई कर सकता है। जो चीज नाम को द्वारा होगा दुनिया में और किसी चीज को द्वारा नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी का दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, सारा दिन तो यही करते हैं ना। इसलिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, हरि नाम करो, हरि नाम पर विश्वास करके सवेरे बैठ करके है एकदम मन लगा करके हरि नाम करो। हरि नाम करते करते देखो, ये हमारे शास्त्र कहता है अभी इसी जीवन में जिसको टाटा बिरला रिलायंस रिलायंस कंपनी वाले अंबानी, इनका नाम सुने कि नहीं? बड़े बड़े धनी लोग। आप लोग ये बताओ उसने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया है उसको पास में इतने पैसा है? एक व्यक्ति दिन भर काम करता है, रिक्शा चलाता है दिन भर, रात को अपना रोटी भी ठीक से खा नहीं पाता है, कमा नहीं पाता है, लेकिन उन लोगों ने इतने पैसा कहां से लाए? कहां से लाए? देखो शास्त्र कहता है, देखो ध्यान देकर सुनो, जो हरिनाम है, अगर हरिनाम का जो असली फल भगवत दर्शन भगवत प्रेम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरिनाम करते हुए हरिनाम करते हैं लेकिन बेटा बेटी नाती पोती रुपया पैसा इसको चिंता करता है, ये हरिनाम
चिंतामणि जो मांगोगे तो वही देगा ना, वही तो देगा, कहते वो वही दे देता है। ये भगवत प्रेम तो देता नहीं। अभी इसी जीवन में जो ज्यादा पैसा वाले है ना, पूर्व जन्म में क्या क्या था, इतना पैसा आ गया, बोले पहला जीवन में उन्होंने हरिनाम किया है, ठाकुर को तो पूजा सेवा की, लेकिन उन्हें निष्काम होकर के नहीं किया, उन्होंने सकाम युक्त होकर किया, कामना वासना को लेकर किया। भगवान का नाम तो बर्बाद जाएगा नहीं। अगर वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम लेकर अगर ऐसे हो सकता है, अगर सीधा नाम लोगो तो क्या नहीं होगा। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम में विश्वास रखो, इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हरि नाम को सवेरे उठ करके खूब डट करके हरि नाम करो, और हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह से ठाकुर जी की नाम लो। देखो मैं अपना जीवन की कथा सुना रहा हूँ। मैं जब मंदिर में आया ना, मेरा उम्र करके 13 साल होगा, 13-14 साल में क्लास 10 से 11 क्लास में गया था मैं, तभी साधु बना। मेरे प्यार में छोटी सी एक फुंसी हो गई, फुंसी होते होते वो घाव बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा मेरे प्यार में पूरा बड़ी इतने बड़े घाव हो गया, और 24 घंटा उससे पस निकलता था। मेरे परिवार वाले बहुत कोशिश किए, बड़े बड़े डॉक्टरों को पास में गए उसको सही करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, 26 घंटा उससे पस निकलता था। लेकिन मैं बचपन में मंदिर में आ गया, जब आ गया अभी मेरे परिवार वाले दुखी हो गए, हम तो घर में देख लेते थे, ये तो मंदिर भी चला गया, अभी इसको कौन देखेगा, मंदिर वाले कौन देखेगा। देखो ठाकुर के नाम के सेवा में कितना शक्ति। जब मैं मंदिर में आ गया, आ करके मैं जब गुरु साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया, ठाकुर को सेवा और भगवान के नाम करना शुरू कर दिया, जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर पाए, मैंने मंदिर में आते ही धीरे 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 अपने आप सही हो गया, वो ये अपने आप सही हो गया। एक दिन मेरे परिवार वाले, हमारे घर 4-5 किलोमीटर था, एक दिन आए और मेरे को बोले तुम्हारी पैर का घाव कैसे, बोले मुझे को पता नहीं, मैं तो मंदिर में आते ही अपने आप सही हो गया, साधु संत की सेवा भगवान की सेवा करते करते, ये मेरी अनुभूति की बात है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़े डॉक्टर कौन है, ये ठाकुर जी सबसे बड़े डॉक्टर है। इसलिए कोई कोई सोचते है ना, अरे घर बार छोड़ देंगे तो हमें कौन देखेगा, हमें कौन खाना खिलाएगा, हमें कौन करेगा। भैया ये दुनिया वाले कुछ भी करने वाले तो ठाकुर जी है, देने वाले ठाकुर जी, और करने वाले भी ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी के ऊपर में पूर्ण विश्वास रखो, सारे चाबी काटी ना ठाकुर जी के ऊपर में। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए ब्रह्मा जी जब ठाकुर को स्तुति कर रहे थे ना, ठाकुर जी किस तरह से खुश नहीं हो रहे थे, ठाकुर के सखाओं के साथ मस्ती ले रहे थे, और सखा लोगों क्या बोल रहे थे, ब्रह्मा को खिली उड़ा रहे थे, भैया ये चौमुहा कहाँ से आ गया, ये चार मुंह वाले कहाँ से, अजीब सा प्राणी कहाँ से आ गया, सबका सर तो एक लेकिन इसका चार सर है। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान खुश नहीं हो रहे, अभी तक तो ठाकुर जी को मैंने स्तुति की, अभी थोड़ी सी ठाकुर जी के भक्तों को ब्रजवासियों को थोड़ा स्तुति करके देखता हूँ ठाकुर जी क्या करते हैं। बोले अहोति धन्याम ब्रज गो रमण्याम। बोले भैया ये ब्रज का गैया और ब्रज के माताएं कौन सा पुण्य की है। बोले क्यों, बोले हम लोग कृष्ण को स्तुति करने के लिए हम भगवान को आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन ठाकुर जो यज्ञ में संतुष्ट नहीं होता है। अभी कृष्ण बच्चे बन गए, क्या कर रहे हैं, जितने ब्रज के माताओं की स्तनपान करते हैं। अब देखना बच्चा जब स्तनपान करता है कितना खुश होकर के मैया का दूध पीता है, कितने खुश होकर के, वो कौन है, ये कृष्ण स्वयं माताओं की स्तनपान करते हैं। आप देखना जब बछड़े गैया की दूध पीता, हम लोग देखे हो बछड़े जब गैया का दूध पीता है, देखो ना कितने खुश होकर के बछड़ा दूध पीता है। बोले ये बछड़े कौन है, बोले ये कृष्ण स्वयं बछड़े बने हैं। कभी ये ब्रज के गैया
ब्रज के माताएं कितना पुण्य की है, स्वयं परम ब्रह्मा की बछड़े सखा बनकर स्तन पान करके इतने आनंद होते हैं। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपस्थान जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये पूर्ण है, ये ब्रह्म, ये सनातन है। इसलिए ये ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया है, सौभाग्य किया, कृष्ण किसकी सखा बन गए, कृष्ण किसकी बच्चे बन गए और कृष्ण किसकी प्रियतम बन गए। धन्य ही ब्रजवासियों को, जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की ना, इतने में कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। फिर ब्रह्मा को पता चला ये कृष्ण का कमजोर कहाँ है। कमजोर मतलब कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मुझे संतुष्ट करना चाहते हो, मेरी सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्तों का सेवा करे ना, ब्रजवासियों को कोई सेवा करे तो उससे ज्यादा मैं संतुष्ट होता हूँ। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अगर कोई दुनिया में कहता है अरे हम उसको जानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, वो गैया को पीछे पीछे डोलता है ना, घर घर में मक्खन चोरी करता है, वही कृष्ण की बात। ब्रह्मा जी कहते देखो मैं कौन हूँ? बोले ये दुनिया की सृष्टि करने वाला मैं हूँ, मेरे 40 साल है लेकिन तब भी मैंने भगवान को समझ नहीं पाए, कृष्ण को मैं समझ नहीं पाए। बोले पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को कोई पता नहीं लगा सकते। ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी 3 बार परिक्रमा करके चले गए। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, ठाकुर का जो परिक्रमा है ना 3 बार नहीं करते हैं, करनी चाहे 4 बार, नहीं तो 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, लेकिन ब्रह्मा जी उन्होंने जल्दी जल्दी 3 बार परिक्रमा करके भाग गए। बोले 3 बार क्यों परिक्रमा किया, कारण किया? बोले कारण है, बोले जब तक यहाँ पर रहूंगा ना, ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय अगर कोई व्याघात करे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता? ठाकुर जी भोजन करते समय मैंने ठाकुर को डिस्टर्ब किया, अभी मैं ठाकुर का हाथ में वही दही भात और टेटी का आचार, आम का आचार फल रखा हुआ है, ठाकुर अभी भी हाथ में रखे हुए, जब तक मैं यहाँ रहूंगा ना तब तक ठाकुर को लीला में व्याघात होगा। इसलिए उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वहां से भाग गए। इसलिए ब्रह्मा ये बात किसको कह रहे हैं? बोलो, ये इंद्र को कह रहे हैं। बोले देखो कि जो नंद के लाला जो कृष्ण करने आए ना, ये साधारण इनको मत समझो, मैं भी बड़े बुरे तरह से फंस गया था, मेरे को बड़ी उनकी चरण में नाक रगड़ना पड़ा। इंद्र ने कहा बताओ अभी मैं क्या करूं? बोले देखो उनका नाम गोपाल है। क्या नाम है? गोपाल है। मतलब क्या? गैया को जो पालना करते हैं ठाकुर जी, इसलिए गैया माता है। चलो श्री सुरभि का भी को पास में जाते हैं, अगर इनकी अनुगत्य में कृष्ण को पास में जाए ना, कृष्ण खुश हो जाएंगे। फिर उन्हें सुरभि गाभी के अनुगत्य में गए और ठाकुर जी को पंचामृत से उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक किया और गंगा स्वर्ग से जो मंदाकिनी नदी की गंगा पानी से ठाकुर जी को उन्होंने अभिषेक करते हुए ठाकुर का एक नाम रख दिया, गोविंद नाम रख दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री प्रभु। प्रभु इनको गवा देता। देखो यहाँ पर एक हमारी ब्रजवासी आए हैं, ये नंद गांव से ये ब्रजवासी आए हैं। जब जब हम बड़े गुरु जी को साथ में, माइक को ठीक कर दो, जब जब हम बड़े गुरु जी को साथ में हम नंद गांव जाते हैं, इनके जो पिताजी थे हैं, जो पिताजी थे वो एक बड़ा सुंदर भजन गाते थे, कृष्ण कैसे माँ जसोदा के पास में मचलती है। बोले भैया मेरी शादी करा दे, मेरी शादी करा दे, दुल्हनी ला दे, घर में सब चीज बढ़िया है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी केवल एक चीज की, घर में अभी बहू नहीं है, केवल एक चीज की कमी है, इसलिए भैया मेरे ताई एक बहू ला दे। बोले कैसे बहू चाहिए? तब कृष्ण वर्णना करके नाक सुप की जैसे होनी चाहिए, मेरे से बड़ी नहीं मेरे से छोटी होनी चाहिए, और जब कि मैं रूठ जाऊँ ना मेरे ऊपर भूसा नहीं करे, और मेरे को थाला भर भर कर खिलाए, हैं मेरे को भर भर कर खिलाए, और ये सखाओं को दाओ भैया को कभी भी बारात में नहीं मत ले जा, क्योंकि ये लोग चुगली करते हैं, कहीं से अगर शादी की बात आ जाए ना, वो शहर के बाहर में कहीं से मेरे नाम पर चुगली कर देते हैं,
इसलिए अभी मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए खबरदार इनको बारात में नहीं ले जाना। ये भजन बड़ा प्यारा भजन है, अभी ये भजन को तुम वहाँ आगे बैठ जाओ। खड़े हो जाओ, हाथ में ले लो, निकाल लो। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री श्रीकांत प्रभु बोलो आनंद के लाला की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद महाभारत महापुराण की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। नित्याय गौर परमानंद हरि हरि। आज आप लोगों के बड़े सौभाग्यशाली हो आप कि महाराज जी के श्रीमुख से आप श्रीमद् भागवत का हर मैंने सुना कि प्रति वर्ष सुनते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जो भजन महाराज जी अभी बोल रहे हैं मुझे गाने के लिए, ये हमारे पिताजी दादाजी और महाराज जी नारायण महाराज बामन महाराज सभी जो परिक्रमा नंद गाँव में आते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोस की, सब लोग पिताजी से सुनते हैं। अभी समय के प्रभाव से पिताजी नहीं रहे तो प्रेम प्रभु जी ने आग्रह किया नंद गाँव में बजे अभी 15 दिन पहले कि आप आइए कथा है, तो आज सम्मिलित होने का हमें भी सौभाग्य हुआ। ये बड़ा सुंदर भजन है, रसिया है, आप इसका बड़ा लाभ उठाएं और जो जो बोल सकते हैं वो पीछे पीछे जरूर बोलें। क्या हुआ एक समय सब सखाओं ने कृष्ण को मना कर दिया कि तुम हमारे साथ खेलने की योग्य नहीं हो। मुझे कहा कि खेलने की योग्य कौन नहीं है भाई, बच्चे तो सभी बच्चे से होते सखा मुक्त सब, बल्कि तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक, तुमने सर्टिफिकेट नहीं है शादी का, हम तुमों को अपने साथ से नहीं खिला सकते। तो ठाकुर जी नाराज हो गए, थोड़े मन में भी अप्रसन्नता हुई। तो शाम को जब गिरिया चढ़ा करके शाम को यशोदा मैया नंद बाबा के पास आए तो उन्होंने अपनी दुख दर्द सुनाया कि सखाओं ने मुझे मना कर दिया, कल से मुझे नहीं खिलाएंगे। तो मैया मुझे बहू चाहिए। क्या चाहिए? बहू चाहिए। तो कैसी बहू चाहिए ठाकुर जी फरमाइश यशोदा मैया के सामने। प्रभु जी बोल रहे हैं नंदगांव के बारे में बताने के लिए, तो पहले भजन सुना देता हूं उसके बाद में फिर दो मिनट नंदगांव के। अरे मैया अच्छी मैं तेरे पास, अरे मैया अच्छी जी मैं तेरे पास
है भैया, मोते भी बड़ी आ गई ना, तो देख ले तू भी घर से बाहर और मैं भी बाहर। तो छोटे कदवारी चाहिए जो तेरी खूब सेवा करे और हित प्रति नाना प्रकार के व्यंजन बना बना के खवावे, तेरे चरणन की सेवा करे। और जब मैं गैया चरा करके घर पे आऊं, बाहर पे घर आऊं, मैं थक जाऊं तो तेरे संग मेरी ऐसी बहु मैया बोलो करेंगे। मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो। और बहु कैसी चाहिए देख, जो कान में नटसेंसी हो नाक में, और नाना प्रकार से बढ़िया श्रृंगार करके रहे, जो कभी तुमको दुख ना दे, हमेशा तेरी सेवा ही करती रहे। ऐसी मंगवाए दे लखवारी, ऐसी मंगवाए दे लखवारी, मोते भोरी होए बिचारी, मोते भोरी होए बिचारी, नित जिमा में मुख भर थारी, नित जिमा में मुख भर थारी, गोदी ले पुचकार के और प्यार कर लेना। और मैं रूठू तो मनावे मैया और पाकर कि मेरी शादी हो, ये सब मोते परेशान है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि तेरे घर में भूवाए और मेरा घर बसे, तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी झूठ बोले ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, ये सब तेरो नाम मेरो नाम और बाबा को नाम बदनाम करना चाहे, मैं बहुत सुनता हूं। सुनो भोरो में सब हित ते, सुनो भोरो में सब हित ते, उदम अब न करो लड़कन ते, उदम अब न करो लड़कन ते, कछु कछु कर मुँह ब्रज गोपिन ते, कछु कछु कर मुँह ब्रज गोपिन ते, तो मोटे चोर कहे क्या कहे, छोरा चोर है और गाऊ मोते चोर कहे और जाऊ ना इनके धाम, और ये झूठिया में बुरो ओ या को की बात बताएं, अभी तो हमारे भैया नाचते हैं, उनकी केवल कमर मटकती, लेकिन आज तो भैया पूरा कमरा मटक रहा है। अरे वाह,
ये हमारे लाला की कृपा है कि साक्षात गांव पे ठाकुर जी आए आपके यहाँ, इसीलिए आप सब मनमोहन हो रहे हो और ऐसे ही होते रहो हर साल ठाकुर जी ऐसे ही रोज चंद्र आपकी भक्ति में तरक्की करें। सूधी मत जाने तू इनको, सूधी मत जाने तू इनको, बहकावे ये इनको, बहकावे इनको, मेरे ख्याल भरी इस दिन को, मेरे ख्याल भरी इस दिन को। अब जब आवे सगाई मैया, किसी को भी नोता नहीं देना है, चुपचाप ब्याह करेंगे और पड़ोसी को भी पता नहीं तो तेरे छोरा के दो चार साल तो यही निकल जाएंगे। अब जब आवे सगाई मैया, चुप करें सब काम और न्यो तो ना बता से निकु, जाती हो ना शादियों में बता से मिलते मिलते ना आदमी नहीं, हमारे यहाँ तो आदमी मिलते हैं। और न्यो तो दू ना बता से इनको और बताने ना दो बताए दे गोप चुप को ब्याह रचाऊं, गोप चुप को ब्याह रचाऊं, बाबा ले बरात में जाऊं, बाबा ले बरात में जाऊं, बरसाने आनो राधा रानी ब्यावे और कौन चले हो एक एक स्टेप एक दूसरे देखते उठा रहे हैं तुम्हारा सबको नो तो कैंसिल। गोप चुप को ब्याह रचाऊं, गोप चुप को ब्याह रचाऊं, बाबा ले बरात में जाऊं, नंद बाबा चलेंगे बरात में जाऊं, ब्रज गोपिन तेना गीत गवाऊं, ब्रज गोपिन तेना गीत गवाऊं, और लगे रहे सब ताक में सुमल तोष श्री राम, और ये सब पक्के मुड़ चढ़े अरे भोरो है लाला श्याम, बनाए दे बाहु छोटी सी मैया छी रूम दे बनाए दे बाहु छोटी कौन काम ते भई सगैया, कौन काम ते भई सगैया, चुप कान में कह दे भैया, चुप कान में कह दे भैया, सुन ना ले बजदाऊ भैया, सुन ना ले बजदाऊ भैया, ये सबसे ज्यादा विभीषण है हमारे घर में।
को विभीषण समझ लिए तो दाऊ है, ये कोई नहीं सखाते कम नहीं है, सबको बाप है। और वहां को भी अगर पता चल गई तो 10-5 साल की जाएगी नारे। फिर मत तू सोचियो और ना मैं सोचो कि घर में बहू आवेगी। और रात रात में ब्याह पे और आऊंगो घर माए, और बिन हल्दी रंग चोखो चढ़े और लगे ना एक छत। माखन तो खाते ही है ठाकुर जी, काम और ऊपर से बढ़ा देते। और एक दिन ग्वालिन सब जुरानिया पकड़ो शाम को, यशोदा मैया के पास समस्त ब्रज गोपी यूथ के यूथ यशोदा मैया के पास बंद कर गए कि तेरा लाला हमारी मटकियों को फोड़ देता है, माखन चुरा लेता है, बछड़ों को दूध पीने के लिए गायों के पास छोड़ देता है। हम उसके पास हम उससे तंग आ गई है और हमको उससे मुक्ति चाहिए। अपनो गांव लेओ नदरानी, हमको अंत बसेंगी जाए, या तो आपको समझा लो नहीं, हम तुम्हारे नंद गांव में छोड़ के जा रही हैं, अपनो गांव दूसरों बसाएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा तुम सब झूठ बोलते हो, मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, मेरे घर 9 लाख गैया हैं, मैं नदरानी हूं और केवल माखन खाने वो तुम्हारे घर जाएगा तो इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझती हूं। तुम निस्वार्थ झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बातों में कोई सत्यता नहीं है। एक शर्त है, अगर तुम उसको साक्षात पकड़ के लाओ अपने साथ में चोरी करते हुए मुझे दिखाओ तो ही मैं मानूंगी। तो ब्रज गोपियों ने मीटिंग की तो कृष्ण को कैसे पकड़ना है। और एक दिन ग्वालिन सब जुरानिया पकड़ो शाम को, 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 पकड़ो शाम को सखी पकड़ो पकड़ो शाम को, एक दिन बाद में सब जुरानिया
लास्ट में जाकर के आपको इसका भेद मिलेगा। सब गाओ, सब सखियन ने सभा करी रे श्याम हाथ लियाए, सब सखियन ने सभा करी रे श्याम हाथ लियाए। जितना इसने आपको परेशान किया उतना ज्यादा पिटाई करवाएंगे। यशोदा पहले गाय प्रिया में लगवा मीठी संगी, यशोदा पहले गाय प्रिया में लगवा मीठी संगी। एक सखी फिर यूं बोली, क्या बोली? एक सखी फिर यूं बोली, छींके ते बाँधो सखी, फिर यूं बोली चीते पे मानो घंटी, चोरी कर दे मैं बजानिया पकड़ो शाम को, चोरी कर दे मैं बजानिया पकड़ो शाम को। और जब मां कर लेंगे तो घंटी स्वतः ही बजेगी, जरूरी है। और हम इसको सामने दूर दूर जाकर के छिप जाएंगे, और जब भी आएंगे कृष्ण हम उनको पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी गुप्तचर को भेज करके अपने सखा को घर के देख के आओ, गोपियां क्या मीटिंग कर रही है। वह तो सखा ने बताया मैंने ऐसे ऐसे घंटी बांधेंगी और तुम चलो। अरे सुन सखियन की टेर, एक दिन आए कृष्ण मुरारी, सुन सखियन की टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी। मेरी गोपियों की क्या औकात है जो मुझे पकड़ सके। सुन सखियन की टेर, एक दिन आए कृष्ण मुरारी, सुन सखियन की टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी। और तेरा ही नहीं, मैं समस्त लोगों का स्वामी हूं, और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। जब तक मैं माखन नहीं खाऊंगा तू भजना मत। तू भज गई तो गई नैया पार। सुनरी घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो, सुनरी घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो। जब तक मैं माखन ना खाई लूं जब तक मैं माखन ना खा लूं तब तक मत तू बजियो। माखन लेने लगे सवरिया पकड़ो शाम को, माखन लेने लगे सवरिया पकड़ो
ठाकुर जी चढ़ गए और माखन छीके से निकाल लिया और माखन को हाथ में रख लिया और घंटी नहीं बजी। ठाकुर मन मन प्रसन्न हो रहे हैं कि ये मेरी दासानुदास है, इसने मेरी बात मान ली। तो आगे क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, मन की गोपी तेने बहुत अच्छी सेवा करी जो तेने मेरी बात मानी। तो घंटी क्या कह रही है, ठाकुर मैं तो आपकी सेविका हूं, आपकी चरण दासका हूं, आपकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे जाना कहां है, हमेशा आपके संलग्न रहना है, तुम्हारे सामने ही रहना है। घंटी सुन रही घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो, सुन रही घंटी माखन चोर। ठाकुर जी ने माखन चोर के हाथ पे रख लिया और माखन चोर हाथ पे रख लियो मन में है रानी, माखन चोर हाथ पे रख लियो मन में है रे रानी, जैसे माखन मुख में तीनों तैसे ही घंटी बाजी, जैसे माखन मुख में तीनों तैसे ही घंटी बाजी, पकड़े गोपिंद ने सावरिया और घंटी बोली सुनो श्याम मेरा कोई दोष नहीं है, ये नियम आपका ही है, मेरी इसमें कोई सहभागिता नहीं है, ये आपका ही नियम है प्रभु। घंटी बोली सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगे ना, घंटी बोली सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगे ना, तो मर्यादा पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो एक धीरा सी बड़ी लंबी चौड़ी सात फुट की गोपी आई और ठाकुर जी का बड़ी कस के जोर से हाथ कलाई पकड़ ली। अब बेचारे ठाकुर जी टच से मसने हो रहे, मन इनको यशोदा मैया के पास ले जाना, वो बड़ी बोलती है उसको चोरी करते हुए पकड़ के ले जाना है। अब गोपियों ने क्या काम किया, सबरे शरीर पे गालों पे मुख पे सिर पे सब मक्खन लगा, यशोदा मैया को पता तो चलेगा, सबूत है हमारे पास। तो वो बेचारी ब्रज गोपी बन की मैं बड़ी हूं और ये मुझसे छूट के जाएगा कहां, उसको मैं ले जाती हूं। और थोड़ी दूरी पे था इंद्र भवन, अब ले जा रही है बेचारी, मन में बड़ी प्रसन्न है, आज तो उसकी गुलचा लगवाने हैं, पिटाई करनी है। अब ले जा रही है सीना चौड़ा करके आगे आगे, गोपी पीछे पीछे, ठाकुर जी इस प्रकार से सामने से बहुत पुरानी और बहुत दिनों बाद एक सहेली मिल गई। और ये हमारी माता बहनों की विशेष आदत है, सिर पे चाहे मन भर का भूस का कठरिया हो या ओकला हो या मतलब और भी कोई गृहस्थ का कार्य हो, आटा हो, पहले तो ले जाती, मैं पहली बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं बता रहा हूँ कि पार्लर जाना है। तो मिलने लगी, बातें होने लगी, बहन तू कैसी है, बलात्ना में मिली है, तेरी सास ठीक है, परेशान तो ना करे, बच्चा ठीक है, पति का काम करे, और ऐसी बातन में 10-15 मिनट ठह गई। और जब 10-15 मिनट ठह गई तो वो तो हाथ अब ठाकुर जी भूल गई,
ठाकुर जी अब भूल गई तो ठाकुर जी बड़े चंचल नटखट और वो तो परम पिता है और उनके भी मित्र आ गए और उनके पति थे वो गोपी के। अब ठाकुर जी ने कहा काम करो यार यहाँ चुपचाप सारे से बोले नहीं सुन लेगी बोलो कृष्ण क्या रहा था मान की ये ना बड़ी बुजुर्ग गोपी है घूंघट लगा के रखा था इतना तो दिख नहीं रहा ये बड़ी बुजुर्ग गोपी है और इसको ना यशोदा मैया के पास जाना मैं तो गाय चराने जा रहा हूँ और तुम ना इसको यशोदा मैया के पास छोड़ देना सुन लो बात ठीक है मुझे थोड़ा काम है सखा बेचारे इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है ठाकुर जी ने ठीक है गोपी को तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये भी कहानी हो रही है तो कहे ठाकुर जी तो निकल गए वहां से ब्रज गोपी बेचारी उसको याद आ गई फिर से आप पकड़ लिया चल जा रही है लंबा लंबा घूंघट है यहाँ पर पता कुछ है नहीं कि पति परमेश्वर है तो ये कृष्ण है और ठाकुर जी ने क्या काम किया आनंद भवन में जाकर के और चुपचाप सो गए और यशोदा मैया से पूछ लिया कोई आवे तो नहीं है जगह मत मैं थक गया हूँ भैया चला गया तो दो मिनट बाद पांच मिनट बाद ब्रज गोपी नंद भवन पहुंची और जोर जोर से अल्लाह करने लगी ओ भैया ओ यशोदा देख आज तू बड़ो सबूत सबूत मांगे देख क्या के सवरे शरीर पे मक्खन लग रहे हो अब बिचारो पति यो के उनकी ये तो बड़ी बूढ़ी गोपी अभी आवाज तो मान तक जा रही है ये कैसी बड़ी बूढ़ी गोपी है और ये आवाज तो मैंने बराधना सुनी है क्यों नहीं तो जानी पहचानी सी आवाज लग रही है तो वो बेचारो तो हाथ कर रहा हो तो वो कह गई है चुप जा आज तो सुधार के रहेंगी मानी हुई आज तुम्हें इतनी संटी लगवाएंगी और इतने में जो बची बची गोपी वे भी आ गई और वो वनवासी में देख के हंस रही है तुम्हारी तरह तो यशोदा मैया आई बेचारी 85 वर्ष की अवस्था थोड़ी हिलती डुलती बल्कि आराम से बोल कृष्ण सो रहो है ये कृष्ण सो रहो है पागल पागल है ये कृष्ण सो रहो है दे रो कृष्ण मैया घूंघट खोल के देगी कौन है और जैसे ही ब्रज गोपी ने बेचारी ने घूंघट खोलो और पति को दर्शन किया तो पानी पानी है बड़ी शर्मिंदगी उठाई उनकी मैं तो कृष्ण पकड़ के लाई कृष्ण ना ले उनकी तुम्हें तुम्हारी बस्ती ना वहां पकड़ना अंते वो सोरो यशोदा मैया ने एक हल्की सी आवाज लगाई लाला तो ठाकुर जी करते करते और कमरा से जब बाहर निकले तो ब्रज गोपी और बेचारी परेशान है और दंडवत करके गई कि प्रभु हमें क्षमा करो हम तो अपने मन में बनेंगे लेकिन आप तो हमारे भी परमेश्वर हो तो ठाकुर जी को पकड़ना है तो प्रेम से पकड़े जा सके महाराज जी ने बताया ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई और आप लोग सब बढ़िया वैष्णव हैं ठाकुर जी की हमारे नंद लाला की राधा रानी की महाप्रभु की और साथ में आपके गुरु जी की आप लोगों में बड़ी विशुद्ध कृपा है कि आप लोग यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन सत्संग श्रीमद् भागवत कथा संत महापुरुषों के मुख से श्रवण करते हैं अनेक जन्मार्जितं पुण्यं कृष्ण भक्ति प्रजायते पूर्व के पुण्य जब संचित होते हैं तब कृष्ण भक्ति में अनुराग होता है आप ये मत समझे कि आपने साल दो साल में दीक्षा ले ली नहीं हरिनाम कर रहे हो ये आपके बहुत पूर्व जन्मों के पुण्य हैं जो धीरे 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 आपके गुरुदेव उनको संचित करते गए और वो फल वृक्ष लगा करके वो फल आज आपको प्राप्त हुआ है। नंदगांव से हूं मैं नंद भवन जहां पे स्वयं ठाकुर जी रहते हैं उसकी दो मिनट कथा बता दूं फिर महाराज जी को करनी है बहुत समय ले लिया मैंने भी नंद भवन को भूषण माई यशोधा को लाल वीर हल धरसो राधा रमण परम सुखदाई शिव को धन संतन को सर्वस या की महिमा वेद पुराणन गाई और नंद दास को जीवन गिरधर तो नंद गांव को कुमर कनाई हम उसी नंद भवन की चर्चा कर रहे हैं जहां ब्रज गोपियां गई हैं और स्वयं यशोदा मैया नंद बाबा आप लोगों ने कभी नंद गांव में दर्शन किया हो दो चार पांच मेरे परिचित हैं जो वहां जाते हैं नंद गांव दर्शन करते हैं माता जी ये तो सब लोग दर्शन करते हैं यशोदा मैया नंद बाबा और कृष्ण बलराम और राधा रानी
नंदगांव में राधा जी की ससुराल भाव से ब्रजवासी वहां सेवा करते हैं। राधा जी का दर्शन ठाकुर जी के साथ में नहीं है नंदगांव में, अलग से यशोदा मैया के पास में। और बलराम जी का भी यहाँ कहीं भी दर्शन करते हैं व्हाइट कलर में, गौर वर्ण में, लेकिन वहां पे बलराम जी कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, कृष्ण जैसा ही स्वरूप है, क्योंकि समस्त ब्रज तो कृष्ण में है, इसलिए बलराम जी भी वहां कृष्ण जैसे ही है। मोर पंख धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं और कृष्ण जैसा ही स्वरूप है। राधा रानी की ससुराल है तो मर्यादा से दर्शन है, जैसे भारतीय संस्कृति घर में बहु बेटी मर्यादा से रहती है अपने परिवार की लोक लज्जा को बचा करके, वैसे ही राधा रानी का वहां मर्यादा से दर्शन। लेकिन राधा रानी जो है दुर्वासा ऋषि जी का उनको वरदान है, आज भी राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण के लिए नंदगांव में रसोई बनाने के लिए आती है। और दुर्वासा ऋषि जी का वरदान ये है कि उनके हाथ से जो रसोई बनेगी वो अमृत के समान होगी और उसको जो खाएगा पिएगा वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेगा। तो इसीलिए यशोदा मैया स्पेशल कीर्ति मैया को रिक्वेस्ट करके उनकी आप अपनी लाली को हमारे घर में भेजा करो, उनके हाथ से रसोई बन करके अमृत के समान होती है और हम चाहते हैं कि हमारा लाला भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। तो इसीलिए आज भी राधा रानी रोज ठाकुर जी के लिए नंद भवन में नंदगांव में रसोई बनाने के लिए आती है। वहाँ और भी नाना प्रकार के ठाकुर जी के तीर्थ स्थल हैं, आशीश्वर महादेव है, टेरी कदम है, रूप गोस्वामी जी की भजन कोटी, सनातन गोस्वामी जी की भजन कोटी, पावन सरोवर है जहाँ समस्त तीर्थ वहाँ स्नान करने आते हैं अक्षय तृतीया वाले में। स्वयं प्रयागराज तीर्थों के जो राजा हैं वो भी पावन सरोवर में एते फलोत सब तीर्थ कर आए थे और तेते फलोत ने अनंत कुंड बनाए थे। चरण पाड़ी यशोदा कुंड हाव मिलाओ उद्धव क्यारी संकेत वट जावट प्रेम सरोवर। तो मैं इतना ही, समय ज्यादा हो गया है, महाराज जी को भी कथा करनी है, तो आप लोगों से त्रुटि हुई हो तो ब्रजवासी को क्षमा याचना, और आप लोग ऐसे ही गुरु वैष्णवों के चरणों में उत्पत्ति ध्यान लगा करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा वार्ता सब करें। ये ठाकुर जी की आप लोगों पे कृपा है और हमारा भी यही आशीर्वाद है कि नंदलाला और राधा रानी दोनों आपको प्राप्त हों और अपने गुरु जी के चरणारविंद में आश्रित होकर के ठाकुर जी आप लोगों को विशुद्धि कृपा करें। नित्याय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ब्रसि वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रसि नंद के लाला की जय। ब्रसि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, अभी ये बच्चा आपको थोड़ा रासलीला के ऊपर में कथा सुनाएंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथि श्रेणी सुभगकटि सूत्रोज्ज्वलकरः विशालाक्ष उदीर्घार गलयुगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु भगवान श्री राधा रमण की महती कृपा से मानव जीवन का अति उत्कृष्ट फल सत्संग आज हमें पुनः श्री महाराज जी के चरणारविंदों में बैठ करके इस सत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मैं व्यास आसन पर विराजमान पूज्य पाद श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरु दीजे हैं जिन पर भगवान की अतिशय कृपा है जिन्होंने आपको सु अवसर प्रदान। ये ही स्मरण वंदन इनको है कैसे गयो अपन को वार भैया उधो में तो ब्रजवास। आगे का प्रसंग है श्रीमद रासलीला। देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरी की पूरी श्रीमद भागवत का प्राण क्या है? श्री रास पंचाध्याय। लेकिन पूरी की पूरी रास पंचाध्याय का प्राण क्या है? श्री गोपी की।
इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट वे से बोले तो पूरे के पूरे रास पूरे के पूरे भागवत जी का जो प्राण है वो है श्री गोपी की श्री रास पंचाध्याय। देखिए लोग अनर्गल बातें करते हैं रास पंचाध्याय के रास के बारे में श्री कृष्ण को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। रास लीला को कामत जय लीला बोला है श्रीधर स्वामी पाद ने, हमारे आचार्य हुए हैं श्रीधर स्वामी पाद, उन्होंने कामत जय बोला है। इस रास लीला को कोई साधारण नहीं कर सकता, ये ऐसी है। कहते हैं संतों के मुख से सुना है जो नित्य प्रति रासलीला का संस्कृत में जो 5 अध्याय है रासलीला के उसका नित्य प्रति कोई पाठ करता है तो उसके हृदय से काम निकल जाता है जो कि सबसे बड़ा रोग है। इसीलिए इसकी फलश्रुति जो है रासलीला की वो क्या है, विक्रीडितम ब्रजवधू विदितम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुनयादत वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा रितरो गमस स्वपिहिनोक्त चिरेण धीरम। ये रासलीला का फल है सुनने का, भक्ति में उन्नति होती है श्री रासलीला को सुनने से। आइए हम लोग रासलीला में प्रवेश करें। रासलीला का पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रितः तदोडुरो राजः ककुवर्धन प्राच्छानलिम्पन् नरुणेन संतमय विवर्चनीनामुदगाचुचो प्रियं प्रियायाय दीर्घदर्शयन् दृष्ट्वा कुमुत्तव खण्डमण्डलं रमाननाभं विहकुं कुमारुणं वनं च तत्को मलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनन्दवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विहित मानसा शुश्रूषन्निम्पतिम्काश्चदश्यन्योपाश्यभोजनम् लिम्बन्त्य प्रमृजन्तुन्या अञ्जन्त्य काश्चलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमिययो तावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नन्नवरतन्तमोहिता अन्तर्मिह गृहीता काश्चित् गोप्यो लब्धभिनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता तद्युर्मीलितलोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पशुता शुभा ध्यान प्राप्ता च तश्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला। इतना सुन लीजिए भाई, भगवान अपनी तारात्रि इस रासलीला को कौन कह रहा है, जो स्वयं भगवान कौन कर रहा है, जो स्वयं भगवान है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त रासलीला का संबंध किसी और से है ही नहीं। रासलीला में श्री कृष्ण स्वयं नागर हैं और नागरियां ब्रज गोपियां हैं। भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, दिव्य शरद उत्सव, दिव्य शरद की रात्रि है वहां। शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे, अपने मन के चक्र में अपने मन से योग माया उपाश्रिता, दिव्य योग माया का स्मरण भगवान ने किया है। यहाँ चक्रवर्ती पाठ टीका लिख रहे हैं योग मायाम राधायाम उपाश्रिता, क्योंकि बिना श्री राधा रानी की रासलीला संभव नहीं है। वे स्वयं रासेश्वरी हैं, इसलिए उनके बिना रासलीला संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो रात्रि है ये साधारण नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद ने रासलीला का कितना ड्यूरेशन बताया, कितना काल बताया, इसको एक दूसरे शब्दों में व्याख्या की है, रासलीला षड मास की, ये 6 महीने की रात्रि थी। और ये रात्रि कौन सी थी, ब्रह्म रात्रौ विचार्यैव, ब्रह्म रात्रि जो भगवान ने अपने मन से प्रकट की है। और उसके अंदर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी साधारण नहीं है। वो चंद्रमा कौन है, वो चंद्रमा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, वेद का उपाख्यान है ये। श्री कृष्ण के हृदय में जब श्री राधा रानी दिव्य बला होती हैं, जब राधा रानी दिव्य श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और अपने माथे को श्री कृष्ण के हाथ पे वक्षस्थल पे धरती हैं और उसका कुमकुम मिश्रित माथा श्री कृष्ण के हृदय में स्फुरित होता है, तब उधर से जो चंद्रमा निकलता है वो है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, ये वो चंद्रमा है।
बहुत अलग है ये पूरी रासलीला का। अब देखो, अब आते हैं श्री कृष्ण ने क्या किया, फिर बनवंशी बजाई, वो श्री कृष्ण आ गए, नायक आ गए, सारा का सारा एनवायरमेंट बन गया, पूरा का पूरा प्रकृति भगवान ने सुशोभित कर दी। अब गोपियों को बुला रहे हैं श्री कृष्ण, कैसे वंशी बजाते हैं, भगवान ने वंशी बजाई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम शाम्या नाम निशम्य, और क्या बजाया वंशी में, जगौ कलम क्लीम, श्री कृष्ण ने क्लीम शब्द बजाया। क्लीम का अर्थ क्या है, ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी। वो क्लीन शब्द से पहले श्री ठकुरानी जी का वर्णन किया है, श्री राधा रानी आइए अब रासलीला जू में प्रवेश कीजिए, श्री राधा रानी की उपासना करी है, उसके बाद गोपियों को बुलाया है, वंशी बजी। अब देखिए गोपियां किस प्रकार से आ रही हैं। पहली गोपी दुहन्त्यो भी ययो काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधी शत्र संयाव मर्दवाश्या परायो। पहली गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, दूध निकालते निकालते बंसी की आवाज गोपी के कान में पहुंची, जैसे ही बंसी की आवाज गोपी के कान में पहुंची गोपी तुरंत उठ के भागना चाहा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी, लेकिन पीछे मुड़ करके जो आधी बाल्टी दूध निकाल लिया था उसको अपने पैर से मारा और गिरा दिया। वंशी ने कहा अरे गोविंद बुला रहे हैं ठीक है, पर ये आधी बाल्टी दूध जो तूने निकाला क्यों फेंक के चली गई। उसने कहा श्री गोविंद का दर्शन करते करते उनके साथ श्री गोविंद का दर्शन करते करते उनके साथ विचरण करते करते यदि बीच में ये आधी बाल्टी दूध याद आ जाता तो उतनी देर के लिए मैं कृष्ण रस से वंचित हो जाती, तो मानो समस्त इंद्रियों का परित्याग करके और गोपी कृष्ण दर्शन के लिए भागी। पहली गोपी, दूसरी गोपी दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधी शंख संयाम मर्दवश्च परायो परिवेश यंधित्वा पारयन्तः शुशुन्वयः शुश्रूषन्दिं पतिं काश्चित् अश्यन्योपाश्य भोजनम्। कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, काजल लगा रही अपने आंख को मोटे मोटे काजलों से सुशोभित कर रही, इतने में गोविंद की वंशी बजी और वंशी बजते ही इतनी जोर की घबराहट हुई कि वो सारा काजल मुंह पे लगा लिया जल्दी जल्दी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वंशी ने पूछा अरे तू चल रही है ठीक है, वंशी भगवान बुला रहे हैं, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, पर ये काजल क्यों। उसने कहा श्री कृष्ण ये नहीं देखते कि कौन काला है कौन गोरा है कौन मोटा कौन पतला, वो तो केवल ये देखते हैं कि मेरे लिए प्रेम कितना है, मेरे लिए भाव कितना है, इसलिए तू ये सब चक्कर को छोड़। वो वहीं से ही गोपी श्री कृष्ण के लिए चल दी। एक गोपी अस्तव्यस्त वस्त्रा भरणात काश्चित कृष्णांत गमेयो। एक गोपी जब वंशी पहुंची उसके पास तो गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, इतनी ज्यादा वंशी के सुनते ही ऐसी उतावली भई श्री कृष्ण के लिए कि तुरंत ऊपर की चीज नीचे पहन ली, अपने कंठ में हार को नूपुर बना लिया, नूपुर को दो जोड़ करके कंठ का हार बना लिया, अंगूठी को पैर के बिछुआ बना लिए, बिछुए को अंगूठी बना ली और तुरंत व्यक्तस्त वस्त्रा भरणात अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके भगी। श्री कृष्ण का प्रेम है ये, गोपी जैसा प्रेम। देखो गोपी का जो प्रेम है वो सर्वोत्तम प्रेम है, नारद जी कहते हैं भक्तों में शिरोमणि है गोपी, इसीलिए भगी। भागने के बाद श्री कृष्ण के पास सभी पहुंचे हैं। देखो यहाँ पे एक बात सुनो, ये सब चल दी तो यहाँ पे कथा कौन सुना रहा है, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जिस तरीके से गोपी चली है तो परीक्षित जी ने अंदर से प्रश्न पूछा, उनको शंका हुई, पूछा उन्होंने सुखदेव जी से गुरुदेव कृष्ण विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतयाम ने गुण प्रवाहु परमस्ताशाम गुणधियाम कथम। अरे ये गोपी तो भगवान को कांत मान रही है, अपना पति मान रही है, ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो मान नहीं रही है। सुखदेव जी को एकदम से धक्का लगा,
क्या मैं सच्ची में अधिकारी पुरुष को सुना रहा हूँ? लेकिन फिर माँ फिर बाद में कहा, ये उत्तम श्रोता है, इसने यदि यह प्रश्न पूछा है तो जगत के कल्याण के लिए पूछा है। सुखदेव जी ने इसका समाधान किया, उत्तम पुरस्कार देतक ते चैत्य सिद्ध्यम यथागत दुष्णप ऋषि केशव किमता सुजनक प्रिया निर्णाम निश्रेय सार्थाय भगवती नृपा अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं विरो विदितो तान्द्रतनुमै तान्हितेन चैत्यं विश्वयत्कार्य भक्ता भगवत्यजे योगेश्वरेण कृष्णेन यत एव तत् विमुच्यते तादृष्टान्तिक मायाया भगवान व्रजनुषिता अब तद वदतां श्रेष्ठो वाचुदेशे निहायते। भगवान ने सुखदेव जी ने कहा, अरे ये तो फिर भी अपना पति मान रही है, कैसा भी संबंध भगवान से कर लो। शिशुपाल था, उसने दुश्मनी का संबंध श्री कृष्ण से किया, लेकिन शिशुपाल को भी परम गति की प्राप्ति हुई। कैसे भी काम से भगवान को भजो, क्रोध से कामम क्रोधम भयम स्नेहम भय से भजो, प्रेम से भजो, ऐक्यम उत्तम संबंधम कैसे भी भजो, पर प्रभु का स्मरण करो, भगवान के साथ संबंध बनाओ। भगवान के साथ संबंध बनाने से भक्ति बढ़ेगी, ये सिखाती है हमें यहाँ पर ये लीला। गोपियां आई, आने के बाद भगवान का पहला रास हुआ, रास भगवान ने रास किया है। रासलीला का वर्णन करते हुए श्री हमारे ब्रज के संत गाते हैं, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, एक गोपी इधर है एक गोपी इधर है, बीच में श्री गोविंद, बीच में श्री गोविंद। अब भगवान नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ, लेकिन नृत्य करते करते गोपियों के मन में आया कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि त्रिभुवन पति श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। उनके मन में यह मद हो गया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान रासलीला के मध्य में अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवते सहसे प्रजंगना अतप्य संचाणक्ष करण्य इवयुत्पम, भगवान बीच में अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों की हालत खराब हो गई। कभी तुलसी जी से पूछ रही है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रत दृष्टः केन प्रियच्युत, बता तुलसी गोविंद गए कहाँ है, तेरे तो चरणों पे तू चढ़ती है गोविंद के, बता कहाँ गए हैं। कभी किसी से पूछ रही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जैसे राम जी पूछ रहे हैं वो वहाँ, विरही विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरही दऊ भाई, वहां पे पूछ रही है गोपी कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इतनी देर में श्री कृष्ण राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए हैं, पर राधा जी को विरह चाहिए था, गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराना था। देखो किसी में क्षमता नहीं है कि श्री कृष्ण का दर्शन करा दे, श्री कृष्ण को मिला दे, केवल और केवल हमारी राधा रानी में ही क्षमता है कि ठाकुर जी से प्रेम करा दे। इसीलिए तो गाते हैं ना ब्रज के संत, राधे राधे बोल शाम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल शाम भाजे चले आएंगे। थी गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराना था, सभी गोपियों ने मिलकर के श्री गोपी गीत का पाठ किया है। गोपी गीत में 21 श्लोक हैं, संभवतः सभी को गोपी गीत का पाठ अवश्य दिन में एक बार करना चाहिए। जो गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करता है उसको एक ना एक दिन श्री कृष्ण मिलते ही हैं। मैं थोड़ा संक्षिप्त में गोपी गीत कह देता हूँ, जयति नेधिकम जन्मना ब्रज सहस्रयत इंदिर
शरीरा शश्वतत्रही दैत दृश्यता मिक्षुतावका वैद्रिता सभा स्पांति चिन्मते शरदुदास साधु जात सब सरस जोदरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ थे सुल्कदासी का वर्त निकले तो उन्हें ही किंबदा ये आगे चलकर जैसे ही अंतिम श्लोक गाया गोपियों गोपियां इतनी विफल हो गई कि ठाकुर जी कहाँ हैं आप ठाकुर जी कहाँ हैं आप ठाकुर जी कहाँ हैं आप। और अंतिम में भगवान ने गोपी गीत का सुना पार गोपी गीत को सुना ठाकुर जी रीझ गए और इतनी ही देर में ठाकुर जी उस गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की इति विप्रेण माकन्या गोप्यो गोविंद भाषितम विषन्ना भक्त संकल्पाश चिंता मा परिदुरत्यया। भगवान उनके बीच में आए हैं मनमथ मनमथ स्वरूप से मनस्वी मथना मनमथ तस्य मन मथना मनमथ मनमथ जो काम के मन को मथ दे उसे श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन जो श्री कृष्ण के मन को भी मथ दे उसे मनमथ 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 श्री राधा रानी कहते हैं। जो श्री राधा रानी को कहते हैं मदन भगवान को कहते हैं मदन मोहन राधा रानी को कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। इसमें काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काम का युद्ध है ये रासलीला श्री कृष्ण से। उसके बाद भगवान आते हैं आने के बाद भगवान से पुनः गोपियां मिलती हैं और फिर उसके बाद रासलीला होती है। बोली श्री राशियारी भगवान की जय। ओए सो राशि रचो वृंदावन है रही पाल की झनका पायल की झनकार है रही पायल की झनकार है सोरा सिर जो वृंदावन है पायल की झनकार है सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार है सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार है जो भी भगवान के प्रेमी जो भगवान के साथ रास में नृत्य करना चाहते हैं जिनको नाचना आता है जो पैर दिए हैं जो हाथ दिए हैं तो उनका सभी को कब करोगे भैया मर जाओगे तब करोगे सभी सुंदर अवसर मेरा सबके सब खड़े हो जाओ मेरे समय से बैठ के पैर दर्द हो रहा है Oh,
भजने बिछिया बहुत कई बाजे भजने बिछिया बहुत कई बाजे नवा गोंदनी के ओ बाजे नवा गोंदनी के ओ बाजे अंग अंग में गहना बाजे चुरियन की जनकार हो अंग अंग में गहना बाजे चुरियन की जनकार ऐसो रासिर जो मंगावन Oh,
चंद्राना जय ना जय तारा जिसको श्री परिगत महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया, इसलिए ये चार चीज को छोड़ दो और चार भक्ति चार चीज को लो। बोले चार चीज क्या छोड़े?
बोले पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। क्या नहीं खेलनी चाहिए? जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए स्वयं परीक्षित महाराज, स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्मराज, मैं सम्राट हूं, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गए। पहले तो राज्य गया, फिर भाइयों को भी दाव में लगा दिया, उसको बाद में द्रौपदी को भी दाव में लगा दी, और लास्ट में राज्य खो करके हमको 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल तक हमें अज्ञातवास में रहना पड़ा। मैं धर्मराज युधिष्ठिर होकर के भी विराट राज्य में कंक का काम करना पड़ा, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन होकर के उनको बृहन्नलादि काम करना पड़ा, भीमसेन को रोसिया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को क्या करना पड़ा, घोड़ाशाला में घोड़ा को रखवाली करते थे। मतलब है अगर कोई जुआ खेलोगे ना, इतना सत्यानाश हो सकता है। इसलिए कभी भी जुआ कोई मत खेला करे, ठीक है ना, कभी जुआ में हाथ मत लगाओ। जुआ खेल करके अभी तो कोई बड़े आदमी नहीं हुए, बल्कि सर्वनाश हो गया, लेकिन अभी तो कोई बड़े नहीं हुए, ठीक है। धर्म का पहला चरण है सत्य। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ गोबर में झूठ बोलते हैं। धर्म का पहला चरण सत्य, वो सत्य नष्ट हो जाती है। क्या दूसरी चीज क्या है, बोले किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु क्या, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज लेने से जीव तपस्या नहीं कर सकता है। इसलिए देखो चाय भी नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं लेनी चाहिए? चाय। चाय। आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है? हाँ, बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन और कफीन डालते हैं, निकोटीन और उसमें कफीन डालते हैं। देखो ये अंग्रेजी, पहले भारत में कोई लोग चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी लोगों ने हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, अपना बिजनेस को चालू करने के लिए पहले क्या किया, स्वयं चाय खुद बना बना करके पिलाए। अब बोले देखो जो 1 कप चाय पिएगा उसको 1 रुपया मिलेगा, हम तो बेवकूफ बन गए, 1 रुपया भरे 1 कप चाय, बोले लो लो दो, फ्री में मिल रहा है ना। कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, उस समय 50 पैसा भी कीमत था, बोले दो 50 पैसा 1 कप चाय। कुछ दिन बाद में बोले कि बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा मिलेगी नहीं, तुमको फ्री में दी जाएगी, हमने सुना फ्री में। कुछ दिन बाद में बोले नहीं उल्टा हमें 50 पैसा दो, क्यों, नशा बन गया ना। अब देखना जो लोग चाय पीते हो, कौन कौन चाय पीते हो? अब देखना, ठीक है, इसलिए आप लोग जो देखो ध्यान देकर सुनो, जो लोग चाय पीते हो देखना, चाय पीने का समय आ जाए, अगर आप चाय नहीं पियोगे तो क्या होता है, आप लोग बोलो, सर दर्द करना शुरू हो जाता है। क्यों? उसमें जहर है, उसमें पैजन दी गई है, वो जहर है। इसलिए जो व्यक्ति शराब पीते है ना, शराब पीने का समय आए अगर नहीं पिए तो बेचैनी से होने लग जाती है। ये चाय पीने वाले देखना, नहीं पियोगे तो सर दर्द दुखना शुरू हो जाता है, हैं? सर दर्द की उसमें जहर, उसमें पैजन डाला हुआ है। हमने अभी बोले फ्री में मिलेगा, 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी कितना रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया। इतनी सी चाय, और हमें ठग करके, ये अंग्रेजी लोगों ने हमें ठग करके अपना गुलाम बना दिया। इतनी सी चाय हमने उनका बिजनेस चालू कर दिया। हमने आप चाय नहीं पी रहे हो, उनका बिजनेस क्यों बना रहे हो? वो हमें बेकू बनाया है। 10 रुपया की कितना दूध मिलेगा बोलो? 1 कप आपको दूध, 1 ग्लास आपको दूध मिलेगा 10 रुपया में, लेकिन इतनी सी चाय हम उनका बिजनेस चालू कर दिया, हम बेकू बन गए और जहर पी लिया हमने। कहते सवेरे 1 कप चाय पी लो ना, दोपहर तक कोई चिंता नहीं। बताओ इतनी सी चाय से कभी पेट भरता है?
वो तुमने चाय नहीं पी, तुमने जहर पी करके तुम्हारी जो भूख था ना वो भूख तुमने खत्म कर दिया। अरे भूख लग रहा है 10 रुपया में आप देखना रोटी सब्जी हो जाएगी, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। सब्जी रोटी दाल सब्जी घर में 10 रुपया खर्चा कर पूरा भोजन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन नहीं पिएगा? हाँ देखो देखो, ये ध्यान देकर सुना, ये भागवत सुनने का तो ही फल है ना। अगर हमने पूरी की पूरी भागवत सुन ली, चाय नहीं छोड़ा, फिर भागवत तुमने क्या सुनी? कथा सुनी नहीं, यहाँ पर आए और नाचे कूदे और चले गए यहाँ से। इसलिए कोशिश करना धीरे 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 हैं, धीरे 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 उसको कम करते करते एक दिन पूरा के पूरा खत्म कर देने के लिए कोशिश करना है। घर में अगर 10 बार, अगर दिन में तो 2-3 बार कोई पी लेते हैं, पूरा परिवार अगर चाय पीते हैं, 4-5 फैमिली हो, तो दिन में कितना पैसा जा रहे हैं आपको बर्बाद, कितना पैसा जा रहे हैं, उतना पैसा में तुम्हारे पूरा परिवार चल जाएगी। उतना पैसा में जितने चाय में खर्चे हो रहा है ना, पूरा परिवार की मेंटेनेंस उसी पैसा में तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए भागवत कहता है भक्ति करना तो नस्ली वस्तुओं को छोड़ो, ठीक है। देखो ये जो अंग्रेजी बैठे है ना सबके सब, ये जो अंग्रेजी लड़कियां बैठे, आप सोच नहीं सकते ये पहले ये लोग क्या क्या लेते थे, ड्रग्स तक भी ये लोग लेते थे, इतना नस्ली वस्तु लेते थे ये लोग। लेकिन जब भक्ति में आए ना, इन लोगों ने सारी चीज को त्याग दी, सारी चीज को, केवल जीवन में एक ही नशा रह गई, भगवान के प्रेम की नशा, भगवान की भक्ति की नशा रह गई, और कोई नशा इनके जीवन में नहीं रह गई। अगर ये अंग्रेजी लड़कियां अगर ले सकती हैं, अंग्रेजी लड़के लोग अगर ये चाय को छोड़ सकते, क्या हम भारतीय होकर छोड़ नहीं सकते हैं? इसलिए कोशिश करना जिनको भक्ति करने की इच्छा उनको चाय छोड़ देनी चाहिए। इसलिए इसको द्वारा तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा चीज है स्त्रियम। स्त्रियम मतलब होता है संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी पति को साथ में अपना घर गृहस्थ बनाओ। इसलिए कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कोई नहीं बनानी चाहिए, शास्त्र इसको मना करता है। देखो भागवत में बताया, जो व्यक्ति बगैर शादी के स्त्री व पुरुष से मिलते हैं, ये पांचम स्कंध में बताया, मरने का बाद उसको जब नरक में जाते हैं ना, वहां पर एक लड़की बनाते हैं लोहे की, और उसको एकदम गर्म करते हैं और उसको आलिंगन करना पड़ता। भागवत पढ़ने में देखो यहाँ पर ये बताया गया। इसलिए संसार करो, शादी करके पति पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थ को बनाओ, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा जो चीज है कहते जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस है, मछली है, अंडा है और प्याज लहसुन। मुझे लगता है यहाँ पर तो कोई बड़ोतों में मांस मछली अंडा भी धीरे धीरे घुसना शुरू हो गया। कोशिश करना अंडा से दूर रहने के लिए, और यहाँ तक कोशिश करना प्याज लहसुन को नहीं खाने के लिए। 9 दिन तक नवरात्र रखते है ना, कोई प्याज लहसुन खाते हो? कोई नहीं खाते हो। क्यों? उसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से, इसलिए माता जी को पसंद नहीं, इसलिए ठाकुर जी को सभा में नहीं लगती है। पहले मैंने बताया आपको, गैया का मांस से प्याज और लहसुन बनाए, गैया का हड्डी से लहसुन बनाए। और भागवत में बताया जिस समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से राक्षस को वध किया, जहां पर ये मांस गिर पड़ा वहीं पर ये हुई प्याज है, जहां पर उसकी हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन। मतलब ये प्याज लहसुन नहीं, ये राक्षस का मांस और उसकी हड्डी खाना हो रहा है। इसलिए कोशिश करना ये सब चीज को नहीं लेने के लिए। जो कुछ घर में खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाओ। आप स्वयं देखो ठाकुर को प्रसाद खाने से, ये गीता का श्लोक है, कहते प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस उपजायते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। कृष्ण स्वयं कहते हैं हानिरस उपजायते। और जो मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा। जो व्यक्ति बगैर भोग लगाए हुए खाते हैं वो केवल पाप भोजन करते हैं।
मनुसहिता कहता है स्वान अभिष्टा समच अर्ण निरंच सुर्या सम, जो चीज मुझे भोग नहीं लगता है वो दाल सब्जी भात नहीं। कभी ये स्वान मतलब कुत्ते का बिष्टा के बराबर, बोले मूत्रम जो परिसरा जो पानी, कभी ये परिसरा के पेशाब के बराबर है जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, सब भोग लगाएंगे कि नहीं? कौन कौन लगाओगे? सब लगाओगे। हाँ देखो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, भक्त लोग हैं, कहते हैं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले ठाकुर को थोड़ी सी बात ऐसा भोग लगा देते हैं, थोड़े से नीचे दूध दे देते हैं, बस ऐसे ही भोग लगता है। मेरे बड़े गुरुजी जो बड़े गुरुजी वो कहते थे, वो उदाहरण देते थे, जैसे आपका घर में कोई एक नौकर है, तुम्हारे घर में एक नौकर है, हैं? और नौकर क्या करता है, खुद बना बना करके बढ़िया बढ़िया बना बना कर खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे खिला देता है। अगर मालिक को पता चला मेरे घर में जो नौकर है वो तो बढ़िया प्याज लहसुन डाल डूल करके बढ़िया से चकाचक खाता है, और मेरे को थोड़ी सी दूध नहीं तो थोड़ी बातासा भोग लगा देता है, अगर मालिक को ये पता चले, बताओ वो मालिक क्या करेगा? बताओ ये मालिक क्या करेगा? नौकर का कान पकड़ कर घर से निकाल देगा, निकाल देगा। आप बताओ घर का मालिक कौन है? हम है ना, घर का मालिक ठाकुर जी है, ठाकुर जी घर का मालिक, हम उनके सेवक है। अगर उनको पता चले ये क्या करता है, ये छुपा छुपा करके मेरे को तो दूध बतासा भोग लगा देता है, और बढ़िया बढ़िया रोज रोज शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल कढ़ी चावल चकाचक खा रहा है, अगर ठाकुर जी को पता चलेगा तो ठाकुर जी क्या करेंगे? बताओ ठाकुर जी क्या करेंगे? फिर हमारे कान पकड़ कर ना घर से निकाल देगा, हमें कान पकड़ करके निकाल देगा। इसलिए कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक तरफ में प्याज लहसुन और एक तरफ में भगवान, चुन लो, हमें भगवान चाहिए ना प्याज लहसुन चाहिए। अगर हमें प्याज लहसुन चाहिए फिर तो हमें भगवान नहीं चाहिए, अगर भगवान चाहिए तो हमें प्याज लहसुन नहीं चाहिए। ठीक है, इतना दिन से अगर कथा सुन करके अगर हम ठाकुर जी के लिए इतना चीज नहीं छोड़ सके फिर कथा सुनना थोड़ी होता है, बैठने पर कथा सुनना नहीं होता है। जब तक अपना जीवन में नहीं उतारेंगे उसको कथा सुनना नहीं कहते, ठीक है ना। इसलिए ये चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से ही जीवन में शांति और हमें सुख मिलेगा। कभी ये चार चीज को छोड़ना और जीवन में चार चीज को जोड़ना, पर चार चीज को क्या क्या जोड़ेंगे? पहला नंबर है कहते एक जो भगवान की भक्ति करने वाले हर घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसको किसको घर में ठाकुर जी है? लड्डू गोपाल हो नहीं तो राधा कृष्ण हो, हर घर घर में ठाकुर जी होनी चाहिए। और ऐसे नहीं, मैं कहीं गया था, मेरे को कहा बाबा आओ मेरे को बोले कहाँ? बोले हमारा ठाकुर का दर्शन करोगे? ध्यान देकर सुना, बोले ठाकुर का दर्शन करोगे? मैंने सोचा होगा शायद बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया होगा जहां पर ठाकुर को श्रृंगार करके बैठाया होगा, मेरे को लेकर गए। मैंने देखा घर का सबका जो रिजेक्ट स्थान है, घर का सबसे जो गंदा स्थान है जहां पर वो खुद नहीं रहते, एक कोने में ना ठाकुर जी रख लिया और खुद सो रहा, इतना बड़ा बेडरूम उसकी, और सो रहे बढ़िया ठाड़ वार से घर में एसी लगा करके सो रहा है, और ठाकुर जी की घर की कोने में है सबसे जो रिजेक्ट स्थान वहीं पर ठाकुर रख दिया। नहीं भैया, ये चीज को समझो, ये कृष्ण अर्जुन को ये बात उद्धव जी को कहते हैं, बोले हे उद्धव मेरा जितना सुंदर स्थान जो मेरे को देगा, बढ़िया से मेरे जो पूजा सेवा करेगा ना, मैं उसी के लिए गोलोक वृंदावन में, कृष्ण खुद कहते हैं मैं राज महल उनके लिए बना देता हूँ, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए घर का सबसे बढ़िया स्थान, जब घर बनाओ अपना लिए मत सोचो यहाँ पर मैं रहूंगा, नहीं, सबसे पहले सोचो घर का सबसे बढ़िया स्थान हम ठाकुर जी के लिए सबसे बढ़िया स्थान बनाएंगे। ठाकुर जी को जितना सुंदर श्रृंगार करोगे, ठाकुर को जितने सुंदर तुम सजाओगे पूजा करोगे ना, मैं पहले बताया ना, अपना शरीर को बड़ा सुंदर करके श्रृंगार करो बढ़िया से, और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जितना सुंदर सजाओगे जो परछाई वो उतना सुंदर रूप में सज जाता है। ये परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपनी आप शरीर को सजाओ, मूल कौन है? बोले ठाकुर जी है। आप ठाकुर को जितना सुंदर सेवा करोगे, उनका स्नान करोगे, उनको कपड़ा पहनाओगे, हैं? उनको ठाकुर को भोग लगाओगे ना, खूब देख लेना
उसी घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की बड़ी उस कृपा होती है उसको ऊपर में। क्यों? लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की लक्ष्मी है। जब ठाकुर जी की सेवा में लक्ष्मी लगेगी फिर तो लक्ष्मी तो तभी सुख शांति देगी ना। अगर लक्ष्मी अगर ठाकुर की सेवा में नहीं लगेगी ना, भले ही तुम्हारे घर में करोड़ों करोड़ रुपया आ जाना, आप स्वयं देख लेना घर में शांति सुख नहीं रहेगी। वो लड़ाई लगा देगी, मामला मुकदमा लगा देगी, नहीं तो कोई दुख लगा देगी, सारे पैसा तुम्हारे बह जाएगी। घर में सब कुछ होगा लेकिन घर में शांति सुख नहीं होगी। क्यों? लक्ष्मी का तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की लक्ष्मी। ठीक है ना? ठाकुर जी को सुंदर करके ऐसे नहीं, खुद तो दिन में 3 बार साड़ी बदला रहे हैं लेकिन ठाकुर जी को 15 दिन से कपड़ा पहनाकर बैठा दिया। ठाकुर जी को कपड़ा बनाकर ऐसे नहीं होनी चाहिए। रोज ठाकुर का स्नान कराओ और वो जो चरणा मृत बच्चों को पिलाओ। देखो ये पुराण का श्लोक है, बोले अकाल अमृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद कंपित्वा शिरस्या धारणम। पुराण कहता है जब व्यक्ति स्नान करा के ठाकुर को चरणामृत पीते से क्या फल है? बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ का पानी को वो पान करता है। अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में जो मृत्यु नष्ट हो जाता है, सर्व व्याधि विनाशनम, जितने रोग शोक है सबके सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की चरणामृत खुद पियो, बच्चों को पतियों को भगवान की चरणामृत पिलाओ। आप स्वयं देख लोगे जितने शरीर का सारे बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। रोज ठाकुर जी को घर में गोपाल होगा राधा कृष्ण होगा, रोज उनको स्नान कराया करो ठाकुर जी को, रोज इनको कपड़ा पहनाओ, ठाकुर को श्रृंगार करो। हैं? कैसे श्रृंगार करनी चाहिए? कहते गर्मी का समय में जैसे हम लोग पतले कपड़ा पहनते हैं और ठंडा का समय में मोटे कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को आत्मवत सेवा करनी चाहिए। आत्मवत मतलब अपना शरीर को जैसे ठंडा का समय में एकदम ठंडा पानी में हम नहा नहीं सकते हैं, थोड़ी सी गर्म पानी में स्नान करते हैं, उसी तरह ठाकुर जी को थोड़ी सी एकदम ठंडा पानी में जब खुद नहीं नहा सकते हैं पर ठाकुर को कैसे स्नान कराएंगे, थोड़ी सी गर्मी पानी मिला करके ठाकुर जी को स्नान कराओ। और जो गर्मी का समय में ठंडा पानी में स्नान कराओ, वैसे ही ठाकुर जी को अगर कोई नया सीजन में अच्छा कोई फल आया वो फल को ला करके ठाकुर को भोग लगाओ। आप स्वयं देख लो ठाकुर को जितनी अच्छे तरह से सेवा करोगे भगवान खुश होंगे ना, घर में खुशियाँ भी आएगी, घर में भी खुशी आएगी। ठीक है? घर में रोज ठाकुर जी को अच्छे तरह से सेवा पूजा करो, पहला नंबर ठाकुर जी को सेवा। दूसरा नंबर है हर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए। किसको किसको घर में तुलसी पौधा है? इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मैंने जब ये दुनिया छोड़ कर गया अपना स्वरूप को मैंने कहाँ रख कर गया? बोले तुलसी में रख कर गया। उसी दिन वो बच्चा बता रहा था ना जिसकी आंगन में तुलसी पौधा है वो क्या करता है, जितने सारे बुरे गंदी चीज को नष्ट कर देता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो पूरा आंगन में तुलसी रखते है ना। क्यों आंगन में तुलसी रखते है? एक बहुत बड़ी उसमें साइंटिस्ट ही है, साइंटिफिकल रीजन है। और तुलसी में तो एक कृष्ण का निवास है और तुलसी माँ लक्ष्मी स्वयं, ये माँ लक्ष्मी स्वयं। हमारे शास्त्र कहता है जिसको घर में तुलसी जितना सुंदर है आप देखना माँ लक्ष्मी की कृपा उतना ही होती है। आप देखना किसी किसी घर में तुलसी नहीं रहती है वो अच्छी बात नहीं है। और जिसके घर में तुलसी जितने पनपनाते हुए जितने सुंदर पौधा होगा ना कहते माँ लक्ष्मी को उतना कृपा होगी, घर में पैसा भी उतना आती है। क्यों? स्वयं तुलसी लक्ष्मी स्वरूप है। नारायण के साथ में तुलसी की शादी होती, क्यों? वो लक्ष्मी है। और जिस घर में तुलसी जितने सुंदर होगा उसी घर में बीमारी उतना नहीं रहेगी, बीमारी भी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी हृदय में जितने भक्ति होगी ना आप देखना तुलसी भी इतना बढ़िया बनेगी। अगर भक्ति नहीं होगी तो तुलसी भी नहीं बनती है घर में। ठीक है? और गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करो। क्या करोगे? गले में तुलसी की कंठी धारण करो। जब महाराज स्वयं कहते हैं जिसकी गले में तुलसी कंठी जब दूत उनको दूर से प्रणाम करते हैं और समझ जाते हैं ये ठाकुर जी के चरण में आश्रय लिया है। मैं बोलता हूँ ना दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के?
एक पालतू और एक फालतू है। बोले पालतू कौन है? बोले जिनकी गले में पट्टा बंधा हुआ। और फालतू कौन है? जिनकी गले में पट्टा नहीं है, इसलिए पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। समझ रहे हो? इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठी जरूर पहन लो। जैसे ठाकुर जी को भले ही जितना जो कुछ भोग लगा, अगर तुलसी पता नहीं दोगे ना, कहते ना छापान भोग छत्री से व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। भले ही जो कुछ दे दो, अगर तुलसी पता नहीं दोगे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते उसी तरह ये जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। वो अधम शरीर अंदर में कुछ है नहीं, ताटी पेशाब खून पी कर कुछ नहीं। अब सवेरे देखना, सवेरे जब नींद खुलती है क्या होता है? आंखों से भी गंदी चीज, कान से भी, मुंह से भी बदबू, नीचे तो बदबू निकलती है। इसलिए ये शरीर अपवित्र है। ये शरीर में जब गले में तुलसी कंठी पहन लोगे ठाकुर जी का समर्पित हो गया, फिर उसी शरीर से ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। कहते जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं वो ठाकुर जी की कोई रसोई नहीं बना सकते हैं। ठाकुर जी को खाना भी नहीं दे सकते हो, कोई चीज छू लिया ना वो अपवित्र हो गया। अब ये मत समझो गले में कंठी नहीं ठाकुर को खाना खिला रहे हैं, ठाकुर थोड़ी भूखे हैं, तुम्हारी हाथ की खाना खा लेंगे। अगर गले में कंठी नहीं ठाकुर को सामने रखने पर भी ठाकुर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? ये शरीर अपवित्र शरीर है, लेकिन तुलसी में इतने पवित्र हैं, गले में कंठी पहनते ही ये शरीर ठाकुर जी का बन जाते हैं। ठीक है ना? गले में सबके सब कंठी पहनना ऐसे नहीं खुद लेकर पहन लिया, नहीं, संतों के हाथों से ये कंठी धारण करनी चाहिए। इसलिए जिनकी इच्छा होगी कंठी पहनने के लिए कल सवेरे आ जाना। ठीक है? सवेरे आकर के तुलसी कंठी मेरे से ले आना, गले में तुलसी कंठी पहनो। ये दूसरी निष्ठा है। बोले तीसरी निष्ठा किया, बोले जरूर एकादशी व्रत रखो। कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? यहाँ तो सब भक्त लोग हैं, हम तो बहुत साल से आ रहे हैं। कौन कौन रखते हो? दो हाथ उठाओ। कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? हमारे भाई लोग क्या एकादशी व्रत नहीं रखते हो? हाँ देखो एकादशी की थोड़ा कथा सुन लो। कहते एकादशी को बताया ये कल्प तरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्प तरु। कल्प तरु मतलब क्या है? जैसे कल्प वृक्षों पर नीचे बैठ करके जो मांगो वो ही मिल जाती है, इसलिए एकादशी व्रत करते हुए आप जो मांगोगे एकादशी व्रत के सो मिलता है। अगर आपके पास में एकादशी व्रत की कोई ग्रंथ होगा ना, खुद पढ़ करके देख लेना, हर अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम है। एक एकादशी का नाम पुत्र था, हम पहले सुना रहे थे ना, पहले नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं था, उन्होंने बहुत कोशिश की घर में कि पुत्र पुत्र हो जाए, लेकिन जब ये पुत्र था एकादशी आई, एक दिन नंद जसोदा सोच रहे हैं हमने तो सारे व्रत रखा है लेकिन अभी तक ये पुत्र का एकादशी व्रत नहीं रखी, चलो हम दोनों पुत्र का एकादशी व्रत रखते हैं। और उनने विधि विधान पूर्वक उन्होंने पुत्र का एकादशी व्रत रखे। व्रत रखने का नियम है एक दिन पहले रात को भजन मत करो, उसी दिन पूरा के पूरा निर्जला रखो, दूसरे दिन टाइमिंग अनुरूप व्रत करो। ये एकदम सही है, लेकिन हमारे गुरु वर्ग को थोड़ी सी छूट दे दिया, लेकिन जिसको सही फल पुत्र चाहते हो एकादशी को ठीक ऐसे रखो, थोड़ी सी कष्ट स्वीकार करो। देखना घर में जरूर तुम्हारी पुत्र होगा, तब कृष्ण स्वयं उनके बेटा बनकर कृष्ण स्वयं आए, ठाकुर जी स्वयं आए। एक एकादशी का नाम इंदिरा, 15 दिन में एक एकादशी आती है। इंदिरा मतलब क्या? कहते लक्ष्मी। अब एकादशी को सही सही करो। जिस घर में पैसा की कमी है, लक्ष्मी के अभाव है, लेकिन जैसे शास्त्र बताया वैसे करो। देखो एकादशी मतलब क्या, ये चीज को समझो। 11 हमारी 11 इंद्रियां हैं। कितना इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका राजा मन। एकादशी का मतलब होता है एकादशी का दिन ये एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। उसी दिन कभी किसकी बुराई चुगली निंदा मत करो, उसी दिन ठाकुर का नाम कीर्तन भजन ठीक ठीक करो और जैसे बताया वैसे करो। आप देखना अगर ये इंदिरा एकादशी कोई करेगा ना, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में लक्ष्मी की आशीर्वाद होगी। एक एकादशी का नाम है अन्नदा। अन्नदा मतलब जिस एकादशी व्रत रखने से
घर में अन्न की कृपा होती, घर में खूब सस्य खूब धान गेहूं खूब घर में आएगा खूब, इसलिए उसका नाम अन्नदान। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब क्या, बोले जो एकादशी व्रत करने से हम जो पाप कर्म करते हैं वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। देखे एक सुंदर स्टोरी सुनो, बोले एक समय स्वर्ग में वहां पर इंद्र चंद्र देवता सारे बैठे हुए थे और दो गंधर्व गंधर्विणी पति पत्नी वहां पर नृत्य दिखा रहे थे, उनको सामने नृत्य भी दिखा रहे थे, लेकिन वो देखने में दोनों सुंदर थे। और जो गंधर्व उसका जो पत्नी गंधर्विणी थी वो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब नृत्य विद्या दिखा रहे थे उसकी पत्नी इतने सुंदर थी उसका जो पति ना उसको तरफ बारंबार देख रहा था, उसको मुंह को तरफ में देख रहा था, लेकिन उसने भूल गया यहाँ पर इंद्र चंद्र समस्त देवता लोग यहाँ पर बैठे हुए। इतने में इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट तेरे को पता नहीं यहाँ पर मैं इंद्र बैठा हुआ हूँ और तू यहाँ भूल गया, तुमको ये नृत्य विद्या दिखाना, हमारा बीवी के तरफ से देखते देखते रह गए पागल जैसे, मैं तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, दोनों जाओ मरते जगत में पिशाच जन्म में। पिशाच समझते हो, वहां पर राक्षस और प्रेत जन्म में वहां पर जन्म ग्रहण करो। अभी उनके अभिशाप से ये दोनों प्रेत जन्म बनकर के पृथ्वी पर आए। जब रात होना जब तक ये किसकी खून नहीं पिएंगे तब तक इनका प्यास नहीं बुझेगी, किसका खून पीना ही पड़ेगा दोनों को, किसको ऊपर सवार होकर उनकी खून को पीते थे। जब बड़े दिनों तक उन्होंने ऐसे अपना जीवन बिताया, एक दिन दोनों सोच रहे हैं, बोले कब तक हम ये पिशाच जन्म में रहेंगे, कहां स्वर्ग में कितने आनंद में रहते थे, कब तक ये पिशाच जन्म को भोग करेंगे, क्या पिशाच जन्म से हमारी उद्धार नहीं होगी। तो उन्होंने शास्त्र पुराण को देखा सुना, एक संत कथा कर रहे थे, बोले देखो ये जो एकादशी जिसका नाम पाप मोचनी किया, जितना पाप अब किया हुआ हो अगर वो एकादशी व्रत करोगे तो सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले लेकिन जब तक हम रात में किसका खून नहीं पिएंगे तब तक रह ही नहीं सकते, क्या करेंगे। बोले किसी तरह से बड़ा कष्ट भोग करते हुए दोनों ने ये एकादशी व्रत रखे। एकादशी व्रत रखे तो दूसरे दिन उनका सारे पाप नष्ट हो गया, फिर दोनों गंधर्व गंधर्विणी बन करके स्वर्ग में जब विजय किया, इंद्र देख करके तो बड़ा आश्चर्य हो गया, बोले इधर आओ, बोले मैंने तुमको अभिशाप दिया था, किसका इतना हिम्मत है जो कि तुमको ये पिशाच जन्म से प्रेत जन्म में मुक्ति दिलाया, क्योंकि मैंने तुमको अभिशाप दिया था, जब तक मैं अभिशाप वापस नहीं लेता हूं तुमको कोई भी मुक्ति नहीं कर सकता है, बताओ कैसे मुक्ति हुई। बोले हमने ये पाप मोचनी एकादशी व्रत रखे और इसी व्रत से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गया, फिर हम स्वर्ग गमन किया है। इतने एक आप हर एकादशी को पढ़ करके देखो अलग, एक का नाम विजया, विजया मतलब जो एकादशी व्रत करेंगे तो दुनिया में तुम्हारी विजय होगी, सारा दुनिया में तुम्हारी नाम जाएगी, इसलिए उसका नाम विजय एकादशी है। हर एकादशी को देखना अलग 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 नाम, मतलब जो एकादशी ये कल्पतरु व्रत, मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करते हुए ठाकुर जी सो प्रदान करेंगे, लेकिन अगर ठीक ठीक से करना पड़ेगा तुम्हें व्रत को, ठीक ठीक से सही सही रूप में एकादशी करोगे सब कुछ तुम्हें एकादशी व्रत से जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोग क्या करना, जरूर एकादशी, अगर आप लोगों ने जैसे कोई शोभ कोई मंगल कोई बृहस्पति अलग अलग व्रत रखते हो, बताओ कितने देवा देवी को मनाओगे, बताओ एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को बुलाओ तीसरे मुंह फुला कर बैठ जाओगे, लेकिन जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो एकादशी व्रत है ये भगवान कृष्ण राम और नारायण की ये एकादशी व्रत है। ये अगर कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए ना, विश्व ब्रह्मांड का जितने सारे देवा देवी वो अपने आप तुम्हारे पर खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी खुश हो गए तो सारे। इसलिए अलग अलग कोई व्रत रखने का कोई जरूरत नहीं, केवल एक एकादशी 15 दिन में आती है, 15 दिन में आती है एकादशी व्रत रखो। जो रह नहीं सकते हैं उनके लिए तो फल मूल की व्यवस्था की गई है, सब्जी बना कर खा सकते हो, फल मूल इतना बहुत कुछ खाने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन एकादशी कभी भी अन्न भोजन नहीं करना। अन्न में कहते उसमें 5 सबसे महापाप रहता है, एक भ्रूण हत्या, जानते कि नहीं, गर्भ में बच्चा रहते हैं जो मार देते हैं,
एक है ब्रह्म हत्या जो ब्राह्मणों को मारते हैं, एक पितृ मातृ हत्या और एक गो हत्या। ये सबसे बड़ी पाप है। एकादशी का दिन अर्ण में ये सारे पाप रहते हैं। कहते सारे पाप से मुक्ति की व्यवस्था है, लेकिन एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करते हैं कहते उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत को जरूर रखना। और जो जो चौथा चीज है भगवान की नाम जप करना। क्या करना? ठाकुर जी की नाम जप करना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवत का जो सार है ना, ठाकुर जी का नाम है। जब भागवत सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं, ये शुरुआत का श्लोक है, बोले ना शुरुआत का श्लोक है, हरे भगवान की नाम जप करने से क्या होता है? कभी जीवन में अभय की प्राप्त होता है, जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाती है। यहाँ तक भी जो मुक्त महापुरुष भी ठाकुर का नाम लेते, ये पहला श्लोक है। और अंतिम श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, ये अंतिम श्लोक बोलने पर ये पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाती है। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। इसका मतलब होता है ठाकुर का नाम कीर्तन करने से जीवन का जितने पाप नष्ट हो जाती है और जीवन में खुशियाली खुशियाली जीवन में आनंद आनंद की प्राप्त होता है। इसलिए भागवत का जो सार है, ठाकुर जी का नाम ही ठाकुर का सार है। हम लोग ने कितना दिन तक कथा सुनी है? 7 दिन तक। बोले हम 7 दिन क्यों कथा सुनते हैं? ये भागवत सप्ताह कहते ना, हम लोग 7 दिन क्यों कथा सुनते हैं? हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, मैं हर साल सुनाता हूँ। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में आए और राजा से मिलना चाहते हैं। राजा जो चौकीदार था बोले एक बार राजा को बोलो कोई संत आपसे मिलने के लिए आए। इतने में राजा ने सोचा संत क्यों आते हैं, भैया कुछ पैसा लेने के लिए आए होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया निकाल करके दे दिया, बोले इसको संतों को दे देना। संत ने कहा देखो हमने ये पैसा लेने के लिए थोड़ी आया हूँ, केवल राजा से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कोई जरूरी काम है। राजा ने सोचा बाबा का साथ मन नहीं भरा, तब उन्होंने 501 रुपया दे दिए। तभी संत लिए नहीं बल्कि मेरे को 1 मिनट कोई विशेष काम है, तब उन्होंने 1100 रुपया निकाल करके दे दिया। तभी संत लिए नहीं, राजा ने कहा देखो बाबा को बोल दो, राजा के पास में कोई समय नहीं संत से बात करने के लिए, मैं राज कार्य में बड़ा व्यस्त हूँ। राजा वहां से दुखी होकर के रानी के पास में गए, वहां पर कोई दासी थी, बोले घर में राज रानी है? बोले है। बोले उनको बोलो कोई एक संत कोई जरूरी काम लेकर के आए, आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। और रानी सुनते तो बड़ी खुश हो गई, बोले संत आए हैं, भैया बड़े भाग्य से घर में संत आते हैं, बोले उनको बुला करके आओ। और रानी उनको बैठा करके आसन दिए, बोले बाबा बताओ आपको हम क्या सेवा करें? बोले महारानी आप ध्यान लगा करके सुनो। बोले बताओ। बोले मैंने भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा जो राजा है ना ये 7 दिनों में मरने वाला। कितना दिनों में मरने वाला? कितना दिनों में? 7 दिनों में मरने वाला।
रानी अभी अभी घर में शादी होकर के आई, अभी अभी राजा राज सिंहासन में बैठे, अगर कोई बोल दे राजा सात दिन में मरने वाला, बताओ क्या होगा। वो इतना घबरा गई, बोले बाबा क्या बोल रहे हो, ये क्या सच बात है। बोले देखो मैंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता है। बोले बचने का कोई उपाय, बोले कोई उपाय नहीं, मैं राजा को इतनी सी बात बताना चाह रहा था लेकिन राजा मेरे से बात ही नहीं की। बोले मैं तो जा रहा हूँ। जब चले गए रानी इतना घबरा गई, इतना घबरा गई, एक दासी को बोले जाओ, अभी अभी बोले राजा को रानी याद कर रही है। जब राजा सुने ना रानी याद कर रही है, राजा तो सारे काम को छोड़कर भागे। देखो अभी एक संत आए थे मिलने के लिए, लेकिन राजा के पास में एक मिनट समय नहीं हुआ, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना सारे काम, अभी नई नई शादी थी ना, अभी चंद्रमुखी लग रही है, अभी चंद्रमुखी लग रही है, इसलिए उन्होंने सब काम को छोड़ छाड़ कर आए। बोले क्या ऐसे जरूरी काम पड़ गई। बोले आपके पास में कोई संत गए थे मिलने के लिए। बोले हाँ। बोले उनसे मिले। बोले मैं राजकार्य में बड़ा व्यस्त था। बोले महाराज हैं, शास्त्र कहता है जब भगवान की किसी जीव को ऊपर में डायरेक्ट कृपा होना तभी जीवन में संत दर्शन मिलता है। इसलिए विभीषण हनुमान जी को कहते हैं आज मोय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोय अनुग्रह किनी तो मोय दरस अठे दिनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गई, नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। चारी तरफ में जहाँ राक्षस, उसको बीच में मैं रहता हूँ, और भगवान की राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान मिल गए, ये मेरी कितने सौभाग्य की बात है। लगता है प्रभु राम मिलने में कोई देर नहीं। कहते कितने सौभाग्य से संतो दर्शन होता है, संत आए तो आपके पास में एक समय, एक मिनट भी समय नहीं था। अरे बोले बताओ तो बात क्या। बोले बात तो बड़ी गंभीर बात है। बोले क्या है। बोले जो संत आए थे ना, उन्होंने ये बताना चाह रहे थे, भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा, आप सात दिनों में मरने वाले। कितने दिनों में मरने वाले? सात दिनों में। अगर किसी व्यक्ति को बोले तो सात दिनों में मरोगे, बता क्या होगा, क्या होगा बोलो। वो सुनते ही आधा मर जाता है, वो सुनते ही आधा मर जाता है। और अभी अभी राज सिंहासन में बैठे, अभी अभी घर में रानी आई है, राजा तो सुन करके इतना घबरा गए। बोले वो संत गए कहाँ? बोले अभी अभी चले गए। तब उन्होंने सिपाही को भेज कर बोले जल्दी जल्दी बुला करके लाओ। जब बुला करके लाए ना, संत को आसन देकर बैठाया, चरण में गिरा। बोले बाबा मेरी अपराध हो गई, आप तो कोई जरूरी काम लेकर के आए थे, आपने बताया मैं सात दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, आप सात दिन में मरोगे, मेरे भजन कभी वृथा नहीं होता है, मैंने ये दिव्य दृष्टि से देखा है। राजा तो और घबराए। इतने में राजा ने कहा, देख संत ने कहा देखो राजा आप चिंता मत करो, क्योंकि आप जीवन में बहुत दान पुण्य किए हो, इसलिए मरने का बाद आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले अक्षय स्वर्ग? बोले हाँ। बोले देखो वहां पर तो सारे सुविधा मिलेगी, लेकिन वहां पर एक चीज की कमी। बोले किस चीज की? बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, वहां मच्छर दान का भी व्यवस्था है, लेकिन एक चीज और कमी। बोले किस चीज की? बोले जो मच्छर दान का कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस है। बोले फिर? बोले फिर क्या? जब आप मरोगे ना, एक सुई और एक धागा लेकर के साथ में चलना, और उसको सिलाई कर दोगे ना, बात चैन की नींद आएगी। बोले बाबा जब हम मरेंगे यही पर हमें जला दिया जाएगा, हम एक सुई धागा लेकर कैसे जाएंगे? कहते ये सुई धागा लेकर कैसे जाएंगे? बोले महाराज मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो, संत भी आए आपको पास में एक मिनट समय नहीं, लेकिन जब यहाँ से जाओगे आपको साथ में यहाँ से एक सुई धागा भी जाने वाला नहीं। बोले महाराज ये बताओ जब अंतिम समय में जाओगे, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? बोले राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जितने राम और कृष्ण का नाम ले रहे हो केवल तेरे साथ में वही जा रहा है, और जीवन में तुमने जो कुछ किया हो तुमने झूठे में बिताया। बोले महाराज
आपको मैं यही चीज समझाना चाह रहा था, आपको साथ में यहाँ के जो सुई धागा भी नहीं जाएगी, जितने राम और कृष्ण का नाम लोगे ना केवल वही साथ में जाएगी। फिर संत ने समझाया, बोले महाराज अभी कान खोल कर सुनो, आप लोग भी सुनो ध्यान दे करके। बोले मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन को बाद में मर जाओगे, मैंने नहीं बताया था 7 दिन बाद में मरोगे, नहीं बताया था। क्या बताया था? 7 दिन 7 दिनों में मरोगे। बोले महाराज दिन 8 नहीं, दिन 7 ही है, दिन 7 ही है, रवि सोम मंगल बृहस्पति शुक्र और शनि। जब हम शरीर छोड़ेंगे ये 7 दिनों में एक ना एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन इस शरीर छोड़ते समय एक सुई धागा भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। इसलिए महाराज चिंता मत करो, 7 दिन बाद में मरोगे। राजा सुनते ही ना 2 बार जान आ गई उसकी, 2 बार प्राण आ गया। क्यों? वो ये सोच रहा था 7 दिन बाद में शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन 7 दिन बाद में नहीं, 7 दिनों में एक ना एक दिन हमें जाना पड़ेगा। और साथ में क्या जाएगा? जितने भगवान की भक्ति ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं ना वही जाएगा। अब मेरे तरफ में देखो, वो राजा का जीवन बदल गया, जीवन बदल गया राजा का। और वो संत ने ऐसे एक माला और झोली पकड़वाया राजा को, बोले महाराज सवेरे नहा धो करके, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम करो, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में तेरे साथ में यही जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए उनको एक माला और झोली पकड़वाया राजा को, राजा की जीवन परिवर्तन हो गया। बोले महाराज बाबा आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सबरे ठाकुर का नाम जप करूंगा और जो कुछ काम करो ठाकुर को सेवा मान करके। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर का दरबार है। रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगेगी, ठाकुर जी की भोग लगेगी। बच्चे को थपथप लगा करके सुला रहे हो, बच्चे किसने दिया है? ठाकुर ने दिया, ठाकुर का बच्चा। किस लिए बच्चे को प्यार कर रहे हो? बच्चा जो बड़ा होगा भगवान की भजन करेगा। इसलिए स्नान करो, बड़े सुंदर शरीर को बड़े सुंदर साड़ी पहनो। बोले क्यों? बोले गंदे साड़ी में कैसे ठाकुर को सेवा करेंगे? बढ़िया साड़ी पहनेंगे तब तो ठाकुर को सेवा करेंगे ना। कहते भक्तों का पेशाब पायखाना भी भक्ति है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं ठाकुर जी की सेवा के उद्देश्य लेकर करते हैं। तब से राजा की जीवन परिवर्तन हो गया और भगवान की भजन करने लग गया। इसलिए जो 7 दिन जो कथा सुनते हैं इसका यही रहस्य है, हम भी 7 दिनों में मरने वाले हैं। कितना दिन में मरने वाले? 7 दिनों में हम भी मरने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय में जाएगा क्या? ठाकुर जी की नाम ही साथ में चलने वाले और कुछ चलने वाले नहीं। इसलिए भागवत का जो सार है ठाकुर जी का नाम है। जो लोग हरिनाम करते हो, हरिनाम लिए हो, देखो हमारे गुरु जी कहते थे जब गुरु जी से हरिनाम लिए हो, हरिनाम नहीं ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे घर में आए। अगर एक दिन माला नहीं जब करोगे क्या होगा? ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए। गुरु जी कहते थे कभी भी खूब भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कभी भूखे मत रखा करो, हर समय नियमित पूर्वक क्या करो? अपना हरिनाम करो। जो लोग गले में कंठी, मैं कुछ कुछ भक्तों को देखा गले में कंठी नहीं, मैंने कहा भैया ये कंठी कहाँ गई? बोले टूट गई। मैंने कहा तेरे सोने का चैन तो तुम्हारी टूटी नहीं, सोने की चैन तुम्हारी टूटी नहीं, ये तुलसी माला ही टूट गई कैसे? हाँ ये तुलसी माला कैसे टूट गई? इसलिए गुरु जी कहते थे जब गले से तुलसी माला टूट जाए ना, फिर नया धागा से, अगर नए तुलसी कंठी पहन अच्छी बात है, नहीं तो नए धागा से उसको फिर फोलो। फोल करके गुरुदेव कहते थे जब तक गले में कंठी नहीं पहनो पानी मत पिया करो। गुरु जी मना करते थे, क्यों? इसका नाम कंठी, कंठी मतलब होता है कंठे में रहता है। जब पानी पीते है ना, ये पानी टच करते हुए अंदर में जाता है, पवित्र होकर गई। जैसे कोई बोली बोलते हो तुलसी कंठे में, इसलिए वो जो बोली पवित्र बन करके निकलती है। और भागवत में बताया, अगर तुम्हारे ध्यान देकर सुना, ये कपिल देव अपना माँ को कह रहे, बोले माँ मरने का बाद ये 13 दिन के बाद में क्यों शुद्ध क्रिया होती है? चीज को अच्छे तरह से सुना। ये आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो मरने का बाद? कौन कौन गरुड़ पुराण सुने हो मरने का बाद? देखना वहां पर एक गरुड़ पुराण सुनाई जाती है, आप पढ़ करके देखना। कहते 13 दिन बाद में क्यों शुद्ध क्रिया होती है? भगवान खुद कहते हैं
कहते उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी केवल पीक खून टाटी पैसा होता है और उसको कोड़े मार मार करके पार कराते हैं, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए आप लोगों सुने होंगे, कहते हैं जो व्यक्ति बहुत दिन तक पढ़ते पढ़ते सड़ सड़ करके मरे, मतलब बड़े पापी है, कहते ना भैया उसका नाम पर गैया दान दे दो, जल्दी जल्दी उसकी उधार हो जाएगी, हैं गैया का पूछ पकड़ करके उधार हो जाएगी। भगवान कहते बोले माँ ये बैतरणी नदी कौन पार करता है, बोले जिसकी गले में ये तुलसी कंठी तिलक नहीं, जिसको गले में ये तुलसी कंठी तिलक नहीं, हमको ये बैतरणी नदी से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है, वो टाटी पेशाब खून पी कोड़े खा खा करके आपको पार करना पड़ेगा, ये भगवान कहते हैं। और जिनकी गले में कंठी तुलसी, कभी भी आप ये बैतरणी नदी पार नहीं करोगे, क्यों, जम दूध देख करके पहचाने जाएंगे ये फालतू नहीं, ये पालतू कुत्ते हैं, ये फालतू नहीं, ये कौन है, ये पालतू कुत्ते हैं, क्यों, गले में कंठी मतलब हम ठाकुर जी की पालतू है, इसलिए जरूर गले में, अब लोग तो हिंदू लोग हैं देखना, मरते समय तुलसी का पानी देते हैं, सर के पास में तुलसी पौधा रख देते हैं, लाख में अंतिम संस्कार भी तुलसी की पौधा से करते हैं, क्यों ये पवित्र है, हैं, इसलिए आप लोग जरूर गले में तुलसी कंठी पहनो, और टूट जाए तो उसको पो करके हर समय पहना करो, और जिनको पास में नहीं टूट गया नहीं तो नया लेना चाहते हो, कल सवेरे लास्ट दिन है, इसलिए सवेरे आप 8 नहीं तो 9 बजे बंदर में मेरे पास में आ जाना, और तुलसी पता तुलसी कंठी लेकर गले में जरूर धारण करो, ठीक है। और देखो मंदिर में ना किसी तरह से जो लोग माला कंठी लिए हो मंदिर में जरूर जरूर आना, क्यों जब संतों की संग करोगे कथा सुनोगे तभी भक्ति की भावना बढ़ेगी। गुरुदेव एक पौधा लगाए, एक गमला में एक पौधा लगाए, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक जिंदा रहेगा बताओ, क्यों गले से ही कंठी उतर जाती है, ये माला क्यों छूट जाती है, कारण है गुरुदेव जो मंत्र दिया एक पौधा में बीज बोए, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो भैया तो सूख जाएगी, वो पानी किया बोले संतों की संग सत्संग हरि कथा, इसको पानी, ये पानी का काम करता है, ठीक है ना। दिन में एक बार जरूर ना जरूर सवेरे हो या शाम को हो एक बार आकर के गुरु जी की ठाकुर जी को मंदिर में आकर के दर्शन करके जाना। अभी तो लगता है ठाकुर जी बहुत बड़ा मंदिर बनाने वाले हैं, हाँ ठाकुर जी बहुत बड़े मंदिर बनाने वाले, हम चाहते बड़ौत में इतना सुंदर मंदिर बने बड़ौत में, आप लोग रोज मंदिर में आकर खूब राधाष्टमी हो जन्माष्टमी हो खूब जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो और नित्य प्रतिदिन मंदिर में ठाकुर जी के उत्सव होते रहे, और मंदिर में आओ खुद आओ अपना बच्चों को भी लेकर के आओ परिवारों को भी सबको मंदिर में लाओ, घर घर में भजन हो, जिस घर में बच्चे पति पत्नी भगवान की भक्ति करते हैं वो घर नहीं वो भगवान का धाम बन जाता है, भगवान के धाम। मंदिर में आओगे जाओगे ना आप देखना घर में कोई शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे, घर में गुटखा कोई नहीं खाएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा घर में, घर में कोई सिगरेट नहीं फूकेगा, लेकिन आपको पता अभी इतने जल्दी हैं इस चीज को पहले गंदी चीज समझते थे लेकिन अभी ये चीज को अच्छे मानने लग गए। आज जिसके घर में पति अगर शराब पीना शुरू कर दिया बच्चा तुमसे क्या सीखेगा बताओ, बच्चा तो वही करेगा पिता जो कर रहे हैं ना, सोचेगा पिता हमारी गुरु, अगर वो शराब पी पढ़ने वाले नहीं, इसलिए अगर मंदिर में आओगे जाओगे तुम्हारी घर पवित्र बन कर रहेगा, कोई गंदी चीज नहीं लाएंगे, बच्चे भक्ति करेंगे और सबसे पहले उठ करके पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता की सेवा करेंगे, क्यों उसको ऊपर संस्कार पड़ेगा, उसको ऊपर में अच्छी संस्कार पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे कथा में कोई तन से कोई मन से कोई धन से आप लोगों ने हर तरह से आप लोगों ने सेवा की है, इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी आप सबको ऊपर में कृपा करें, सबको बोले ठाकुर जी की कृपा हो, खूब फलते फूलते रहो और खूब भजन करते रहो, और हमारे प्रेमचंद प्रभु जी, प्रेमचंद प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, हाँ कार्डलेस कहाँ गया भैया, हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, हरे बच्चों के बोलो
बोलो हरे कृष्णा भजेंद्र कृष्णा कृष्णा हरे 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 समय लग जाए हरे राम 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 हरे हरे सभी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा चरणों में दंडवत प्रणाम एसपी टायर वाले श्री राम उतार जी अग्रवाल उन्होंने यहाँ पर मंच पर बोलना चाहता हूँ तो कुछ जो हैं हमारे वृंदावन से जो कैसे वाले और आए हैं पंडित जी आए हैं गाँव से इनको कुछ भेंट देना चाहते हैं जरा जल्दी आ जाएं आज यहाँ पर कथा का सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस है आप सभी ने बड़े उत्साह से बड़े हर्ष और उल्लास से तन मन और धन सहयोग दिया है बहुत इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है कि गुरु जी हमारे बहुत गदगद हुए हैं एक बार कहना तो गुरुदेव के नेता लेंगे और हमारे प्रेमचंद प्रभु जी और इधर भी जगह जिनके है क्या नाम है प्रभु जी मनोज इसलिए इन्होंने अपना स्थान देखो ये नया स्थान है लेकिन इन्होंने ये स्थान के लिए इन्होंने कथा के लिए दे दिया मतलब क्या है जहाँ पर ठाकुर का कथा होना पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं स्थान का जितने गंदा चीज है जितने अपवित्र वस्तु वहां से निकल जाती है इसलिए जिनका स्थान है अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ ठाकुर जी इनके ऊपर में तो आशीर्वाद और खूब कृपा है हरे कृष्णा इधर आ पंडित जी लोकेश जी हमारे कैसे वाले श्याम प्रभु जी जो वृंदावन नगरी से आए हैं हमारे श्रीकांत प्रभु जी जो पैर बजाते हैं तो देखो हमारा ये छोटा सा भैया है ना ये नाड़ नीचे कर लेता है क्योंकि ये हमारा पिताजी है अरे वाह हरे कृष्णा देखो हमारे आपका बड़ौते में आपको बड़ौते में हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी ये पिता माता की पहले बताए ना ये पिता माता की अकेला बेटा है और इन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे थे नौकरी करने के लिए उन्होंने लास्ट पढ़ाई से वृंदावन में करने के लिए आए लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई इन्होंने सब कुछ छोड़ करके इन्होंने श्री गुरु वैष्णव के चरण में आए और मैंने इस बार पूछा हमारे नवीन प्रभु को इस बार इतने भक्त आए कैसे कारण क्या बोले कारण है जनार्दन प्रभु जी घर घर में जा जा करके उन्होंने सत्संग किया कीर्तन किया छोटे बच्चे होकर के कंजूसी करें हमारे भैया लोग बैठे और आप लोगों को पता होगा इधर छोटे छोटे बच्चे कथा सुना रहे थे ना छोटे छोटे बच्चे कथा और जो माता जी कहाँ गई मुझे कथा सुना रही थी इनको कथा की किसने सिखा दी है इन्होंने ही सिखा दिया है खड़े होकर के छोटे छोटे बच्चों को इतने छोटे छोटे बच्चों को उसने जोड़ा मैं भी अभी तक इतने छोटे छोटे बच्चों को जोड़ नहीं पाया इतने छोटे छोटे बच्चों को तिलक माला कंठी और दे करके इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हो ना आपका बच्चे भक्ति करे भजन करे गलत रास्ता पर नहीं जाए जरूर उनको मंदिर में भेजो ये सबको भक्ति की सिखा देते हैं और श्लोक सिखा देते हैं अच्छी अच्छी श्लोक उनको सिखाते हैं हरे कृष्णा हमारे राम अवतार जी कुछ 5 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं तो गुरुदेव से आज्ञा चाहते हूँ इन्होंने अपना पत्नी के उद्देश्य में यहाँ पर अपना पत्नी को प्रभु जी इन्होंने अपना पत्नी को यहाँ पर भागवत में रखे हम भी प्रार्थना करते हैं इनका पत्नी को शांति और सुख मिले इनकी पत्नी को शांति और सुख मिले जहाँ भी हो वहाँ सुखी रहे और भगवान की भक्ति करते रहे
इसका उनकी पत्नी के लिए भी प्यारे बजाओ, शांति से मिले। राधा मेरी स्वामी मेरा देखो दास, जन्म जन्म दीजिए श्री चरण में वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए भक्त वृंद की जय। वृंद कहते हैं झुंड, भक्तों का झुंड समूह झुंड। तो गुरु जो है नी, गुरु क्या है, जैसे पारसमणि की बात चल रही थी कल, पारसमणि लोहे को सोना बना देती है लेकिन उसको पारसमणि नहीं बना सकती, और गुरु अपने भक्तों को पारसमणि बना देते हैं। आपके सामने है 9 साल के करीब गुरु जी को यहाँ आते हो गए, जो उनसे राम मेहर को रामे और केदार सिंह को केदारे कह दे, आज मैं प्रभु जी कह के बात करने लगे। तो गुरु की ऐसा नवीन जी ने ऐसी टहनी यहाँ डाल दी, जहाँ बोलो वही जहाँ उसको बोले बीज की जरूरत नहीं है, बस टहनी छोड़ो और लगा दो और गुरु जी उसे सींच देते हैं। तो ऐसे भक्त कमाल है। मैं तो कई बार देखता हूँ, हमारे यहाँ और भी संस्था है, हम भी संस्थाओं में, हम एक दिन की ये भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी की यात्रा निकालते हैं एक दिन, और 12 बजे 12:30 बजे समाप्त हो जाए, हम 4 आदमी वहां पाते हैं। और ये रात को 1 बजे लोग यहाँ ढूंढे ठुआ दरे ठुआ, भाई कमाल है। ऐसी शक्ति भगवान ने, बस कमाल है। अब बात यह भैया, जो भी हमने सीखा सुना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। देखो कर्म तो करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा। जब कलयुग आया धरती पर और परीक्षित महाराज ने उसको तलवार निकाल ली और उसने बैल के 3 चरण तोड़ दिए, तो वो कलयुग हाथ जोड़ने लगा, बोला कि कलयुग में मतलब धर्म के 4 चरण होते हैं, दया है, तप है, दान है, पवित्रता है। तो कहने लगा जी ये सब उसने खत्म कर दिया, बस एक दान बचा। उसने कहा महाराज मुझे मारूंगा, मेरे में एक खूबी है। क्या है तेरे में खूबी? कि बस कलयुग में दान करो और भगवान का नाम लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। परीक्षित जी कहने लगे भाई बात तो ठीक कह रहा, चल तू अपना विचार जगह उनमें लौट, 5वीं सुनने में मेरे सिर पे भी बैठ जा भाई, मेरा भी वक्त खराब आ रहा। तो खैर अब कलयुग में जितना भी आप दान करो यथाशक्ति, जिसके पास है जितना, जिसके पास नहीं है चाहे यहाँ दरे उठाओ, वो भी दान ही है। चाहे कोई जितनी सेवा करे खाना खिलवा रहा, वो भी दान ही है। और एक बात के मैं मेरे गले नहीं उतरती, जैसे महाराज जी भी और भी सब लोग, एक सूढ़ी साथ नहीं जा भाई, मेरे पास बहुत सारे ट्रक हैं, मेरे संदीप प्रेमचंद जी के बहुत सारे ट्रक हैं, मैं बहुत सामान भेजूंगा थारी साथ जब हम मरेंगे। करो राम का नाम, राम का नाम लो, दान दो। गुरु जी ने बताया था ना कि एक मुट्ठी उसने वो गधे की लीद दे दी थी और उसका झुंड बढ़ गया, और जो तुमने किसी को एक मुट्ठी खाने को दे दिया कितना बन जाएगा, तो ट्रक बुलाने पड़ेंगे ना। तो मेरे पास प्रेमचंद जी के पास बहुत सारे ट्रक हैं, भेज देंगे सब वहाँ ऊपर, और सुरंग में कोई ना जाइयो, वो तो 5-स्टार होटल है, जब तक सारे पुणे रहोगे और वे देव का फेर नीचे धक्का दे देंगे। तो इसलिए गोलोक की इच्छा करो भैया, गोलोक की इच्छा करो। अब ये तो ईसा में देवता लोग जो हैं, धरती को मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ तो सब अपने पाप भोगने आए हैं। अब देखो कर्म की बात ऐसी हो, कृष्ण जी तो भगवान है, उनके भी 6 भाई की हत्या कंस ने कर दी, उनके माता पिता को जेल में रहना पड़ा। ये तो गुरु जी बता सके, जरूर उनके उन्हें कोई श्राप होगा, उन्हें कोई इंसाफ होगा। अब दशरथ जी को ले लो,
अब दशरथ जी देख लो कितने भागे रहे, राम के पिता हो गए, उनसे अनजाने में पाप हो गया, सरवन कुमार के तीर लग गया, उन्हें साथ दे दिया, तो उन्हें पुत्र योग में मरे। मतलब जब वो मरे उनका कोई भी पुत्र उनके साथ नहीं था, और राम जी जो है मतलब उनका दाह संस्कार भी बगैर राम जी के हुआ, और एक सबसे कुछ पुरानी घटिया प्राणी धरती का जो मांस खा के जिंदा रहता है, गिद्ध जटायु, जो भगवान के काम आया। देखो सीता जी को बचाने में उसने अपनी जान दे दी, और उसके प्राण कहाँ निकले, भगवान की गोदी में। और वो देख लो भगवान ने उसका दाह संस्कार करा, कहीं सुना भाई भगवान ने भी किसी का दाह संस्कार करा? तो कर्म का खेल है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो कलयुग में बस यही है अपना, भगवान का नाम लो और दान करो। और दूसरी बात जो मैं संतों के मुख से सुना, मैं टीवी में बहुत कथा सुनता हूँ, जिनने भागवत कथा सुन ली उसके सारे पाप खत्म, और गारंटी है गोलोक में जागा। पर एक गारंटी उसे भी देनी पड़ेगी, आज के बाद कोई पाप नहीं कर देगा। ये नहीं भाई, गुरु जी ने परमिट दे दिया, परमिट तो दे दिया, इसकी फीस तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको राम का नाम लेना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, बस इतना ही काम करते रहो। मेरा तो यही कहना है, जैसे एक बार शिव जी महाराज और पार्वती जी बैठे थे, कहना भाई गंगा जी बहुत जा रहे, देखे कितने लोग जो है गोलोक को जाने, तो बहुत भीड़ थी और उनके सामने दलदल फंसी थी। उन्हें कह रहे भैया हमें कोई दलदल से निकाल दो, कोई दलदल से निकाल दो। तो जो कोई आगे बढ़े कहना ठहर जा भाई, वो बढ़ियो जिसने पाप ना करा हो, इसी में दस जगह दल साफ है, साफ है। अब एक गाँव का किसान भोला भाला, उनने भी आवाज सुनी, वो भगा गया और गंगा जी में लगाए गोते, और भगा आया और कहला मैं निकाल लूंगा, कहना तुमने कोई पाप नहीं करा? उनका नहीं, कहना झूठ, कहना है मैं तो गंगा जी में ना कहा, परसों पंडित जी कह रहे थे, और जो गंगा जी में ना लगा पाप खत्म, पाप खत्म। और गंगा जी में से आया मैं, उसके बीच में मन में कोई पाप नहीं करा, और खा के दलदल में कूद गया। शिव जी महाराज के अंदर भाई यू जाएगा गोल, विश्वास की बात है, जो भगवान में विश्वास करेगा सब नहीं थी, बताओ भील जाती। उसने अपने गुरु का विश्वास करा, कहां गई सबको पता। मीरा भाई उसकी माँ ने कह दिया, अब कुछ रहे वो बरात देख रही थी अपने उसमें भवन में से, कहने लगी ये क्या हो रहा है, शादी हो रही, यो कौन है दूल्हा, मेरा दूल्हा कौन होगा, भगवान कृष्ण जी होंगे। बस उसी दिन सवा तो अपना भगत नहीं होगी। तो भगवान का नाम तो ऐसी चीज है। रावण को किसी ने कहा भाई तू एक काम कर, तुझे सीता जी चाहिए ना, हाँ तू राम का रूप रख ले, तू तो रूप रखने में निपुण है। कहना भाई यो भी करके देखा था, बुद्धि राम जैसी होगी मेरी। तो भाई अब ये जो संस्कृत मंत्र बोल रहे हैं सबके बस की है नहीं है, तो देवदूत है सीधे जो ये मंत्र तंत्र सुना रहे, या संस्कृत बताते हैं कि देववाणी है, संस्कृत नहीं है, हम तो संस्कृत कह रहे हैं देववाणी है। अब माया से तो योगी, वह माया से तो योगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दान की बस एक आखिरी बात आपको बता दूं, और एक बात यह है कि एक बार एक आदमी था, बड़ा मतलब उसको भगवान से नफरत थी, तो उसका बेटा स्कूल में जब पढ़ने जाता था तो उस रास्ते पे एक मंदिर पड़ता था, तो उसने अपने बेटे को कह रखा था कि जब मंदिर आए तो दोनों कानों पर उंगली रख लेना। और बेचारा बच्चा डर के बाहर उंगली रख ले, तो लेकिन जब किसी बात की पाबंदी लग जाती है तो मन व्याकुल हो जाता, तो उस बच्चे का मन व्याकुल था कि ऐसा मंदिर में क्या है, क्या आवाज आती है वहां से। तो एक दिन उसको कांटा चुभ गया, वो परेशान हो गया, उसकी उंगली हट गई कांटा निकालने में, तो मंदिर से आवाज आ गई थी, देखो जो भी हम करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा पाप पुण्य, अंधेरे में कमरे में भगवान सब देखता है,
भगवान सब देखता है सब जगह, उस बच्चे के दिल में बैठ गए। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद उसका पिता बोला चलो बेटा वहां बाग में आम लग रहे हैं और आम तोड़ के लाएंगे। वो उसको ले गया और उसने बच्चे को, उसमें तो चढ़ा नहीं जा रहा था, बच्चे को चढ़ा दिया तो वो आम तोड़ने लगा बच्चा। तो जब आम तोड़ने लगा बोला पिताजी वो देख रहा है, वो ऐसे देख है, ऐसे देख। अरे कोई नहीं है भाई, कोई नहीं देख रहा। वो फिर आम की तरफ को लपका, फिर उसके बाद ध्यान आई, बोला पिताजी वो देख रहा है। तो वो बोला भाई यहाँ तो कोई है नहीं, कौन है, कौन देख रहा है? बोला वो भगवान देख रहा है, वो सब जगह देख रहा है। बस इतना कहते ही उसके पिता का दिमाग बदल गया, बोला मेरा बच्चा इतनी अच्छी बात कर रहा और मैं ऐसे रास्ते में चल रहा और चला रहा। उसने तुरंत उसे अपने बच्चे को कहा कि आजा आज से तू भी मंदिर चल और मैं भी मंदिर चलूं। और दान की महिमा में तुम्हें बता रहा हूं कि एक बार एक व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा था, उसको शाम हो गई तो वो कहीं मंदिर पर रुक गया। एक दूसरा व्यक्ति था, उसको भी शाम हो गई, वो भी मंदिर पर रुक गया। एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी रुक गया। तो अब शाम को हो गई, भूख लगी तो सब कहने लगे भाई चलो आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। तीसरा तो उसने कहा, एक पहले ने कहा मेरे पास 3 रोटी है, एक बोला दूसरा मेरे पास 5 रोटी है, तीसरा बोला भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो खैर ये फैसला हुआ भाई 8 रोटी के 24 टुकड़े कर दो। देखो जिसपे जिसे इस सवाल का पता है प्लीज वो चुप रहे, मेरा उससे रिक्वेस्ट है बराबर वाले को बताए ना। तो वही बात नहीं थी, उन्होंने 24 टुकड़े 8 रोटी के किए और 8-8 टुकड़े तीनों ने खा लिया और अपना आराम से रात को सो गए। सुबह को जब वो व्यक्ति उठे तीनों, तो जिसके पास एक भी रोटी नहीं थी उसने 8 गिन्नी निकाली जेब से और उनके पास रख दी आपस में बांट लेना और वो भग गया। ठीक, तो चलो आप लोग सोच लो अच्छा वो भग गया तो भगने में अब वो कहने लगा भाई 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। तो 5 रोटी वाला बोला नहीं भाई तेरे पास तो 3 रोटी थी, तू 3 ले ले 5 मेरी रोटी गई है मुझे 5 ले ले। बोला नहीं वो दोनों को लेगा हम तो 4 लेंगे। उनका झगड़ा शुरू हो गया, पंडित जी आ गए, पंडित जी को फैसला सौंप दिया। पंडित जी ने भी परेशान हो गए, पंडित जी ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान मेरे से ऐसा फैसला करवाना जो उचित हो। चलो मैं दूसरी बात सुनाता हूँ, आप इतना सोच लो इसका, इसमें कितनी गिननी किसको मिलनी चाहिए। तो एक मैंने अपने मन से सोचा है कि जैसे जितनी बार आप शीशे में देखो अपनी, आदमी कई बार सुबह शाम तक शीशे में देखता है अपना फेस देखता है, मैं कहता हूं अपना मन भी साथ में देख लो कि मेरा मन कितना शुद्ध है कितना साफ है। और वो आम वाली कथा जो आम के पेट में चढ़ा था कि भगवान सब देख रहा है, ये 2 बातें याद रखो शायद आप पाप नहीं कर पाओ, मेरी गारंटी। और अब उसका आंसर सबने सोच लिया कि कितनी कितनी गिननी बटेंगी। तो पंडित जी जो थे भगवान के पास गए, भगवान मेरे से फैसला करा। और पंडित जी ये कह के और दोपहर वाली आरती में पंडित जी ने भगवान को सुला दिया, पंडित जी भी सो। अब पंडित जी को स्वप्न में भगवान आए तो भगवान बोले पंडित जी हाँ बताइए आपने क्या सोचा। कहना जी मैंने तो ये सोचा बस 3 रोटी वाले को 3 गिननी 5 रोटी वाले को 5 गिननी। पंडित को भगवान बोला नहीं गलत, कहना तो फिर 4-4 बांट देते हैं, कहना ना ये भी गलत। तो पंडित जी बोले बस तो भगवान आप ही बता दो। अब गुरुदेव जी की आज्ञा हुई और भगवान ने बताया कि जिसके पास 3 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए, 9 टुकड़े हुए, 8 तो वो खुद ही खा गया, 1 टुकड़ा दिया उसे। जिसके पास 5 रोटी थी 15 टुकड़े हुए, उसने 8 खाए सिर्फ, उसमें तो 7 उसने उसको दे दिया। तो 1 गिननी उसको दे दो और 7 गिननी उसको दे दो। तो भगवान का फैसला जैसा भाई गुरु जी की बात याद रखो, ली दे एक मुट्ठी दी थी और ढेर लग गया, और तभी एक मुट्ठी सामान की दो बस और राम का नाम लो, जय गुरुदेव जय गुरु।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो कथा चल रही है इसमें सब लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे जो हैं साउंड वाले भैया भारद्वाज जी, जहाँ कहीं भी होंगे गुरुद्वार गुरुदेव के पास आके आशीर्वाद दे लें। इनका अच्छा साउंड हर साल हमारे यहाँ कथाएं बजता है, और पिछले साल बागपत भी गया था साउंड, यहाँ अब की बार भी जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है, बागपत भी जाएगा। और लाइट वाला बंगाली लाइट और टेंट, जिसने इतना अच्छा सुंदर टेंट और लाइट की व्यवस्था की है आपके लिए, एक बार वो कहीं यहाँ पर हो तो वो भी आ जाएंगे, एक बार गुरु जी से आशीर्वाद ले लें। और वृंदावन से आए हमारे श्रीकांत प्रभु जी, जो पेड़ बजाते हैं गुरुदेव के साथ रहते हैं, वो कितनी सेवा करते हैं ये सब आप लोग जानते हैं। कहाँ चले गए प्रभु जी, आ जाए एक बार इधर। और अपने जो है ना श्रीकांत प्रभु भैया, देखो ये अपना जो है गर्दन नीचे कर रहे हैं, ये कहते हैं प्रभु जी मेरा नाम ना बोलो, अगर बताओ नाम कैसे ना बोलो, कितनी अच्छी मृत्यु में जाते हैं आपको पता है। हरि बोल। और ये हमारे जो है कैसे वाले दादी बार ब्लॉक में आए हैं, ब्रज से हैं, ब्रज भूमि से हैं, श्याम प्रभु इनका नाम है। इतना अच्छा सुंदर कीर्तन आपको ब्रज भाषा के ब्रज भाव में आपको सुनाया है इन्होंने। और हमारे जो पंडित जी आज हमारे बिल्कुल, कई बार मैं इनको गया था पिछले महीने नंदगांव में, मैं चार बार पाँच बार इस में चला जाता हूँ, जब भी जाता हूँ उनके पास कितनी भी भीड़ हो, अब की बार मैंने देखा इतनी भीड़ थी वहाँ, कई लोग वी आई पी आ रहे थे, हजारों लोग लाइन में लगे थे, मेरे साथ तीन चार लोग और थे, ये पीछे से लेकर एकदम दर्शन करा दिया, प्रसाद दिया, अपने घर आ गए, इनके लिए भी जोरदार ताली। और हमारे जो खड़े हैं ना ये एडवोकेट साहब, देखो ये रोजाना जब से अपना जगन्नाथ मंदिर बनाया ना, सुबह 5 बजे मंगल आरती गाना, गर्मी सर्दी बरसात रात को ये कभी छोड़ता नहीं, एकदम सबसे हम लोग भले ही लेट हो जाए मंदिर में, जैसे कभी हम तो सबसे 2 बजे ये हर आरती में, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना आरती में आने के लिए। देखो जो सवेरे आरती होती है ना उसका नाम मंगल आरती, मंगल आरती मतलब क्या, सवेरे जो मंगल आरती दर्शन करेगा उसको दिन भर मंगल मंगल ही होगा, इसलिए उसका नाम ही मंगल आरती है। और उसको बाद में फिर आधा घंटा वहाँ पर भगवान की कथा होती है, अगर वहाँ आओगे हमारे गुरु बड़े गुरु जी कहते जैसे घड़ी होता था ना, पहले उसमें चाबी लगा देता और वो 24 घंटा चलती थी, फिर दोबारा चाबी लगाना पड़ता, इसलिए सवेरे जो मंगल आरती दर्शन करेगा और सवेरे जो थोड़ी सी कथा सुन लेगा ना, समझो 24 घंटा के लिए उसको चाबी लगती है। अभी वो 24 घंटा वो चलते रहेगी, कैसे भगवान की भक्ति करते रहेगी, इसलिए कोशिश करना मंदिर में मंगल आरती में जरूर आने के लिए। और जो आएगा ठाकुर जी उसको जरूर मंगल मंगल, ठाकुर जरूर करेंगे मंगल मंगल। हमारे जो है ना लता दीदी, अनीता दीदी, शिवानी दीदी और सक्सेना परिवार, देखो हमारा घर तो बिल्कुल पास है पर मैं नहीं आ पाता, मैं प्रभु जी रोज आ रहे आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ, आज देखना मैं आ रहा हूँ। हमारे बलराम प्रभु जो इतनी सुंदर डेकोरेशन करते हैं रथ की जो भी लगे हुए हैं, और जितना भी हमारा साहित्य है उसके कार्य में बहुत निपुण है, रथ को सजाने में, मंदिर को सजाने में, हमारे सुमित प्रभु, बलराम प्रभु, अन्य सुमित प्रभु और जो भी कोई हैं वहाँ पर, अमर महेश्वरी है, प्रमोद जी हैं, और अपने मुकेश मित्तल जी हैं, प्रमोद मित्तल जी हैं, सुरेंद्र मित्तल जी हैं, बाबूराम जी और श्रीपाल जी, मास्टर जी बैठे हैं, और बैठे हैं अपने जो हैं क्या नाम, सुनील वर्मा जी बैठे हैं, आजाद वर्मा बैठे हैं, इनके भैया बैठे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर जो है ना इनका एकदम आकर के यहाँ ऐसा उत्साहवर्धन करते हैं, मैं इनका महिमा का बखान नहीं कर सकता। जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं है वो ये ना सोचे कि हमारा नाम नहीं बोला, इतने बड़े समूह में सबका नाम बोलना संभव नहीं है। और हमारे पंजाबी कलोनी से पूरा परिवार आ रहा है, पंजाबी कलोनी से हमारी सपुतला दीदी बैठी हैं जो हैं, पूरा परिवार यहाँ पर आ रहा है, हमारे सत्संग में कीर्तन में हर बार आते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे पुजारी प्रभु कहाँ हैं, तपन प्रभु, हमारे पुजारी तपन प्रभु कहाँ हैं, उनकी वो चले गए बता रहे मंदिर में, जिन जिन का नाम लिया इधर आ जा, अमितल प्रभु जी सुबह आ जाता है, जिनका नाम कालूराम भारद्वाज जी जो सब्जी की सेवा करते हैं, अच्छा जी सुरेंद्र मास्टर जी हैं, और अन्य अन्य लोग जो हैं जो भी हैं यहाँ, तुरंत जिनका नाम ना बोले वो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हाँ नहीं सारे आने का दिक्कत है, सारे आने में कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जो यहाँ पे जो कथा हो रही है
सामने यहाँ पे कई लोग हैं, जैसे राकेश कुमार जी जैन है, गौरव परिवार है, राजेंद्र कुमार जी हैं, और विमल प्रसाद जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, आदिश कुमार जी सभी वाले, अमरचंद बामनोली वाले, अच्छा जी सुभाष चंद्र नवीन कुमार फेंट वाले, और हमारे उठ के 5 बजे पूरे अपने जो है यहाँ पे हमने फंड में नाम प्रसाद वितरण होना है, शारीरिक धुलाई करवाते हैं। हमारी उमा दीदी बैठी है, रेखा दीदी बैठी है, रामदेव शर्मा जी के घर से हैं, ये सब मंदिर में कितनी सेवा करते हैं। अभी ये पोशाक सिलने में जो है ना 1 महीने से लगी हुई है, ये 3-4 दीदी जो है लगी हुई है, प्रसाद जो ठाकुर जी की ड्रेस बना रहे हैं ना, जो रोजाना ठाकुर जी मंदिर में नई नई ड्रेस पहन रहे हैं, सब वो इनके द्वारा सिली जा रही है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। हरे कृष्णा। शिवानी दीदी बैठी है और सब बैठे हैं यहाँ पे जो है, सबका नाम तो मैं नहीं जान सकता ना मैं बोल सकता हूँ, आप अपने लिए अपनी तरफ से सब जोड़ देता हमारे भाजपा से आए हैं परिवार, भाजपा से आए हैं हमारे जो, ये देखो पूरे हफ्ता हो गया उनको कथा में आते हैं, एक गाड़ी लेके आ रहे हैं और अप्रैल में इनके यहाँ 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक गुरुदेव ने डेट दी इनको, भाजपा में कथा होगी रोजाना बड़ो से एक बस भर के जाया करेगी, जैसे पहले जाया करते थे, कुछ लोग अपनी गाड़ी से जाते थे वो गाड़ी से चले जाएंगे। कृष्ण रुक्मणी बनाया है? हाँ जी बनाया है गुरुदेव, कृष्ण रुक्मणी बनाया है, सुदामा जी बनाया गुरुदेव, सभी लोग जी भाई वो बात की बात है, बाद में पूछना जब मंदिर में आओगे। कल का जो यात्रा का समय है यहाँ पर आप 10 या 11 बजे तक जितने 56 लोगों की टोकरे लिए हैं, एक दो माताएं आज भी ले आई हैं भूलवश, कोई बात नहीं वो कल भी ला सकती हैं। 11 बजे तक यहाँ पर सब 56 भोग प्रसाद लेकर आए, उसमें 56 भोग लगा करके तुलसी पत्थर डाल करके उसको पैक करके यहाँ पर लाए, यहाँ पे लाएंगे सब प्रसाद, वो यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद रथ पर चला जाएगा, रथ पे जाने के बाद वो पूरी बड़ौत में वितरण होगा प्रसाद दोनों साइड से, और सब माता बहनों से प्रार्थना है सब अपने चप्पल जूता निकाल के आए अपने घर पे, तो चप्पल जूता पकड़ के जो है ठाकुर जी का रस्सी कोई नहीं खींचना, यहाँ पे कोई रखी रहेगी तो पता नहीं किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। यात्रा के बाद कोई भी रास्ता मत तोड़ना, उसमें से रास्ता हमने अलग लगाया है ठाकुर जी पे, उसमें से निकाल लेना है, जो रास्ता हम लगाया है उसमें से मत तोड़ना, गुरुदेव कथा सुना रहे थे ना जगन्नाथ जी से रास्ता तोड़ के चल देते हैं उसमें, और जहाँ पर ये माता बहनों को कलश रखे हैं ना कलश, कल सब लेना कलश यात्रा के बाद आके सब यहीं से ले जाना कलश, कलश जब यात्रा विश्राम होगी आके यहाँ से जाना प्रसाद पाना और कलश ले जाना। हरे कृष्णा। अभी कोई बच जाओ, अभी कृष्णा अभी कोई नहीं जाना, अभी कृष्ण रुक्मणी आ रहे हैं, सुधा श्री होगा कथा विश्राम होगा हमारा, जो अभी कल नवीन जी ने मंदिर निर्माण के लिए अनाउंस करा था ना उसमें 1,00,000 रुपए लड्डू गोपाल जी मदन कुमार अग्रवाल जी ने अपनी इच्छा जाहिर किया देने के लिए। हरे कृष्णा। कल हमने जो बात बताई थी आपको श्री मंदिर निर्माण हेतु और जमीन खरीद करके देने की बात, उसमें काफी बड़ी राशि लगेगी क्योंकि लगभग 80 से 1 के बीच में तो उनको लैंड देकर हमें इतना हमें मूल्य चाहिए जिससे कि हम उनकी लैंड दे सकें, और लगभग 2-4 करोड़ का मंदिर का निर्माण लग जाएगा। तो आज कुछ लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, अभी हमने किसी से बात बताई भी नहीं लेकिन उन्होंने खुद आकर के संपर्क किया और बताया कि हमारी तरफ से अभी आप इतने इतने लीजिए और बाद में फिर और भी देने का हम प्रयास करेंगे। श्री मदन कुमार अग्रवाल जी जिन्होंने 1,00,000 देने का वादा किया, तो जोरदार तालियां यहाँ कहीं भी उधर आ जाए। श्री सुरेंद्र मित्तल जी
जिन्होंने 1,00,000 देने का वादा किया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और 1,00,000 लता दीदी जिन्होंने 1,00,000 देने का पूरा वादा किया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कौन है? श्रीमती रेखा जैन जी, वाइफ ऑफ श्री प्रदीप जैन, ये 11,000 अभी इन्होंने दिया और कहा आगे भी हम जो भी हमसे अच्छा होगा वो देंगे। और श्री मित्तल जी ने भी वादा किया कि हम आगे जैसे जैसे मंदिर निर्माण होगा वह हम आगे देते रहेंगे। और एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने गुप्त दान के लिए कहा है, उनकी तरफ से बड़ा मनोबल बढ़ा है हमारा, 21,00,000 उन्होंने दिए हमको जोरदार तालियां। जगन्नाथ रथ यात्रा है और उसमें कृपा करके आप समय से पधारे। प्रभु जी ने बताया 11 बजे आप सब यहाँ पधारे और यहाँ पर ठाकुर जी का सुंदर कथा होगी, तत्पश्चात यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण। हमारे उमा दीदी कहाँ है? उमा दीदी कहती जो कुछ चलेंगे हम ही देंगे। सुरेंद्र मित्तल जी, आप सुबह 11:30 के बीच में जरूर पधार जाएं और यहाँ पर जितने माता बहनों को टोकरियां दी हैं 56 भोग के लिए, उन टोकरियों से अलग भी कोई चाहे तो बाजार से टोकरी खरीद के ला करके उसमें यहाँ प्रस्तुत कर सकता है भोग के लिए। ठीक है, अब कथा आगे हो। धन्यवाद कृष्णा। आज के प्रसाद में तो सहयोग दिया है 11,000 रुपए सुरेंद्र मित्तल, निशांत मित्तल, निशु जहाँ भी कहीं हो जाए उसके लिए आ जाए यहाँ पर। और 5,100 रुपये डॉक्टर योगेश जिंदल जी ने दिया है, 2,100 रुपये प्रदीप गुप्ता जी पिंड वाले ने दिया है और 1,100 रुपये सुनील वर्मा, उन्होंने उनकी छोटी बेटे का जन्मदिन है आज नेहा का, अभी मैंने श्रीकांत प्रभु को कहा था नैना का जन्मदिन है, निशु का भी जन्मदिन है आज, वो भी यहाँ जाए। अभी थोड़ा सा उनको जो है हमारे श्रीकांत प्रभु जी स्वस्थ वचन कर देंगे, थोड़ा सा मैंने बोल दिया। बच्चा कहाँ है? इधर आओ। ये नैना खड़ी ना, कि बड़ी वाली नैना, इनकी जन्मतिथि है। हाँ जी, जन्मतिथि है, लेकिन इनकी भी है जी मित्तल साहब। हाँ जी हाँ जी, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले ओम ओम स्वस्ति न स्वस्ति नो गोविंद गोविंद स्वस्ति न स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति न स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु धातु स्वस्ति 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 सुमंगले महान श्री कृष्ण महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन सचिदानंद घन माधव स्मरति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीकृष्ण द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे सिद्धार्थ महाराज की जय। सिंह देव की जय। परिकर गौर हरि की जय। ताई गौर ब्रह्मानंद हरे हरि बोल। मंगलम भवतु कल्याणम भवतु सुखी भवतु। राकेश जिंदल जी, अभिषेक जिंदल जी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में 1,00,000 रुपए देने का वादा करा है, मैं उनके लिए भी कहता हूँ जोरदार ताली बजाएं और मेरी आवाज सुन रहे हो तो गुरु जी आपका आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण रुक्मणी ले आओ, कृष्ण रुक्मणी जो बने हैं उनको ले आओ। कृष्ण रुक्मणी कहाँ है उनको ले आओ। राकेश जी जिंदल जल्दी चल के रहे हैं गुरुदेव के पास। श्री रुक्मणी रामायण भगवान की जय। श्री गिरिराज बाबा की जय। कृष्ण रुक्मणी कहाँ है? वैसे कृष्ण रुक्मणी कहाँ है?
और जो अभी हमारे जो समी साहब बोल गए ना, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग लगाई है, नवीन जी जिन्होंने हमें भक्ति धारा में हमें लगाया है, और एक राकेश सिंगल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शुरू में बड़ौद में हर महीने सत्संग होता था ना, तो हम सोचते थे पंचवटी मंदिर में सत्संग हो रहा है तो कोई अंग्रेज आ रहे हैं सत्संग करने में, हरे कृष्णा वाले आ रहे हैं, तो उनको कौन लाया था, हमारे नवीन जी लाए थे, एक बार इनके लिए जोड़ कर लिया, और इनको जोड़ा राकेश सिंगल ने, राकेश सिंगल ने जोड़ा हमको, और उससे देखो ये कितना इन्होंने बड़ा परिवार इन्होंने यहाँ पर बढ़ाया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब रह गए हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव रह गए गुरुदेव, इनके लिए तो आपने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो चलो आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ, जो आगे आपको यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कथा स्टोरी के माध्यम से, अपने पुस्तक के माध्यम से, गुरुदेव रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे मंगल आरती में होते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अगर यहाँ पर ये कथा सुनाने नहीं आते, क्या हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्या हम भक्ति धारा को जानते हैं, क्या हम गोड़िया मठ को पहचानते हैं, नहीं पहचानते, हम इनके चरणों का पदाश्रय लेकर के हमने अपना, इन्होंने हमें अपने चरणों का सहारा दे करके हमारा जीवन बदला है, इनके लिए जोरदार तालियां दोबारा पुनः हरे कृष्ण। जय श्री रुक्मणी रामायण भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ लो ये माला लो, ओ बच्चे हरे कृष्ण, ये दो माला लो, अभी बहुमान जी मेरी वाले नहीं आई, हरे कृष्ण दोनों दोनों को माला पहना, काम तो प्रसाद हरि कृष्ण हरि बोल, संगीत जोरदार ताली बजा, रुक्मणी रामायण भगवान की जय, जय श्री राम, हरे कृष्ण। अगर कुछ कोई चढ़ाना चाहता हो, जो साड़ी भारी को जो कुछ लाए हो चढ़ाना चाहते हो, इस समय चढ़ा सकते हो, बोलो प्रभु। आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, सगी सगी धन करियाने कान कन्या को लाई,
हरे कृष्णा थोड़ी आप लोग बैठ जाओगे सुदामा जी आ रहे हैं थोड़ी सी बैठ जाओगे जो लोग कन्यादान कर रहे हैं वो बारी बारी से आते जाएं और अपनी जगह पर बैठते जाएं आइए सुदामा जी भी आ रहे हैं देखो देखो हेलो हेलो हरे कृष्णा सुदामा जी आ रहे हैं रास्ता दे दो सुदामा जी आ रहे हैं बैठ जाइए सुदामा तो देख नहीं रहे सामने आप लोग बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन थर थर से बैठ थर थर से बैठ गया देखो देखो ये गरीब ये विश्वास लेके आया हूँ मेरे बचपन का है वो मेरा शान यही सोच कर मैं आस लेके आया Oh,